PT Education करके दिखाई दे, आसमां को छू लेंगे हम, हारेंगे ना कभी, कुछ करके दिखाएंगे हम, है सपना बस यही। We are the students of new generation, we gonna bring a revolution, PT Education करके दिखाई दे। हाँ भाई, कैसा आना हुआ? मैंने बुलाया? मेरे को तो याद नहीं तेरे को बुलाया मैंने यार। हाँ, एसएमएस दिखा, एसएमएस दिखा, मैंने बुलाया ना, व्हाट्सएप पे बुलाया होगा। बट एनीवे, इट्स अमेजिंग हाउ टेक्नोलॉजी हैज चेंज्ड एवरीथिंग, इजंट इट? बताइए क्या पढ़ना है आज? आप जो बोलेंगे वो पढ़ाएंगे, इट्स अप टू यू। इंग्लिश? ठीक है, इंग्लिश में क्या क्या करना है? इंग्लिश में बोलो, वर्ड्स पढ़ना है, ग्रामर पढ़ना है, यूजेज पढ़ना है, क्या पढ़ना है? वर्ड्स पढ़ें? चलिए वर्ड्स पढ़ते हैं, बाद में मुझे मत बोलना है, आप ही ने बोला है। चलिए, सो वी हैव अ फैंटास्टिक सेशन ऑन वर्ड्स, तो नोटबुक निकाल लीजिए, बहुत कुछ लिखना है आपको। वैसे भी आपको लिखना बहुत पसंद है ही सबको, क्यों नहीं पसंद है? तुम्हारी हंसी से तो लग रहा है बहुत दुख होता है तुमको कोई लिखवा दे कुछ तो। सो वेलकम टू दी पिनेकल प्रोग्राम वंस अगेन, एंड टुडे सेशन इज लैंग्वेज स्किल सेशन नंबर 01। द रीजन आर सेशन इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट टुडे इज वर्ड्स। आप स्क्रीन पे पहली स्लाइड देख रहे हैं, टाइटल क्या दिख रहा है भैया स्लाइड का? टेस्ट योर सेल्फ, खुद का परीक्षण कीजिए। ये सारे वर्ड लिख लो, पैरेलल में डिस्कस करूंगा और आपसे मीनिंग्स पूछूंगा इन वर्ड्स के। राइट डाउन ऑल दीज वर्ड्स एंड आई विल आस्क यू द मीनिंग्स, द वेरी फर्स्ट स्लाइड ऑफ टेस्ट योरसेल्फ दैट यू सी ऑन द स्क्रीन राइट नाउ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। जो आज हम वर्ड्स डिस्कस करने वाले हैं, हम एक टेस्ट योरसेल्फ से शुरू करेंगे और फिर हम एक्चुअल लर्निंग सेशन में अंदर घुस जाएंगे और फिर एंड में होमवर्क स्लाइड रहेगी। हमारा टारगेट है आज एज मेनी वर्ड्स एज पॉसिबल डिस्कस कर लें, एंड दीज आर वर्ड्स विच आर एग्जामिनर्स फेवरेट। आज हम जितने भी वर्ड्स डिस्कस करेंगे, हमारा मकसद है कि एग्जामिनेशन में आने वाले वर्ड्स पे अच्छे से हमारी पकड़ बन जाए। तो शुरू करते हैं। द वेरी फर्स्ट स्लाइड टेस्ट योरसेल्फ आपके सामने स्क्रीन पे है। अब मैं आपसे पूछना शुरू कर रहा हूं, लिखते भी जाइए, पैरेलल जवाब भी देते जाइए। विच इज द वेरी फर्स्ट वर्ड यू सी? पैरागॉन। प्लीज टेल मी द मीनिंग ऑफ द वर्ड पैरागॉन। वेरी गुड, तो पैरेलल उसका मीनिंग भी लिखते चले। क्या मीनिंग बताया इन्होंने? व्हाट डज अ पैरागॉन मीन? द वर्ड पैरागॉन मीन अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। सो पैरागॉन रेफर्स टू अ रोल मॉडल। तो ये हमारा पहला वर्ड हो गया। इससे वोकैबुलरी का सबसे हमारा पहला नियम आज हम फिर से रिकॉल करें। प्लीज रिकॉल द वेरी फर्स्ट सेशन वी हैड इन पिनेकल वाइटल, ओरिएंटेशन टू वर्ड्स। वेरी गुड, क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा था? ग्रास्प पीटी। वी कम बैक टू दैट फॉर्मूला अगेन। अगर किसी ने इसे मिस किया तो आज इसे समझ लो। और भाषा ज्ञान आपके एमबीए एंट्रेंस को क्लियर करने के लिए की का काम करेगा। इफ यू क्रैक द लैंग्वेज सेक्शन, योर चांसेस ऑफ गेटिंग अ कॉल विल बी सब्सटेंशियली हाई।
ग्रास पीटी फॉर्मूला याद दिलाओ भैया, जी स्टैंड्स फॉर व्हाट? यू शुड ऑलवेज ट्राई टू रिमेंबर वर्ड्स इन ग्रुप्स. क्या फायदा होता है उसका? आपको एक एक वर्ड पे अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ती है, ग्रुप्स याद रहते हैं. आर, यू शुड ऑलवेज ट्राई टू रिमेंबर रूट्स ऑफ वर्ड्स. एनी एग्जाम्पल? बेने, बेने एंड मेला, कुछ याद आ रहा है? बेने इज एंड मेला इज बैग. बेने से क्या क्या वर्ड हैं? बेनेवोलेंट, बेनेफिसेंट, बेनेफैक्टर, बोनाफिडे, बेनिफिट, बेनेफिसेंट. ठीक है, मेला से क्या क्या बनेंगे? मेलेवोलेंट, मेलेफैक्टर, मेलाफिडे, ये सब पढ़ा है ना हमने, और आपने ये वर्ड्स तो पढ़े ही है ना कहीं, तो वो स्लाइड से हम इस पे आए, इस पे वापस जा रहे हैं उस स्लाइड पे. ए स्टैंड्स फॉर, वेरी गुड. क्या मतलब? ट्राई टू कनेक्ट वर्ड्स विद पिक्चर्स. पैरागॉन के साथ हमने अभी क्या किया? महात्मा गांधी वॉज द पैरागॉन ऑफ वर्च्यू. मतलब जो कुछ भी अच्छा था महात्मा गांधी, उसके जीते जाते जागते एक सिंबल थे. दिस इज कॉल्ड एसोसिएशन. क्या फायदा होता है एसोसिएट करने से? याद रहता है, क्योंकि वर्ड्स को ऐसे याद रखना तो बहुत मुश्किल होगा. सो इन ऑर्डर टू बी एबल टू रिमेंबर वर्ड्स इजीली, यू शुड ऑलवेज ट्राई टू एसोसिएट देम विद सम पिक्चर्स. एस, ऑलवेज मेक सेंटेंसेस विद पैरागॉन. व्हाट सेंटेंस डिड वी मेक? वी जस्ट मेड वन, एक और बना लेते हैं. एन आर नारायण मूर्ति इज द पैरागॉन ऑफ एक्सट्रीम एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया. क्या मतलब? एन आर नारायण मूर्ति किस चीज के पैरागॉन है? एंटरप्रेन्योरशिप में आप कितने आगे तक जा सकते हैं, उसका उदाहरण है एन आर नारायण मूर्ति. पी, पार्ट ऑफ स्पीच. चलिए, गिव मी द एट पार्ट्स ऑफ स्पीच. नाउंस, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स, प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस, इंटरजेक्शन. मतलब दुनिया में अंग्रेजी भाषा का कोई भी शब्द होगा वो आठ में से एक होगा. यस और नो? ये आठों आप एक बार लिख भी लो. जिस ऑर्डर में हमने बोला उसी ऑर्डर में लिखो. यू शुड ऑलवेज नो व्हाट आर द एट पार्ट्स ऑफ स्पीच, एंड यू व्हेन यू सी अ वर्ड शुड बी एबल टू टेल मी at least whether it's a noun or a pronoun or a verb or an adverb or an adjective or a preposition or a conjunction or an interjection. क्यों? क्योंकि अगर आपको part of speech पता होगा तभी आप उससे sentence सही ढंग से बना पाओगे. दूसरी चीज, in examinations like ZAT, Xavier Admission Test, Aptitude Test, they are very fond of asking such questions, especially pronouns, conjunctions, prepositions. तो fill in the blank में छः छः blank आ रहे हैं एक question में. और कैसे blank है? ऐसे blanks नहीं है ये word जो screen पर अभी दिखे. blanks में क्या fill करना है? in, at, a, the, of. मतलब सही मायने में वो ये देख रहा है कि आपने English समझी है या नहीं. तो ये तो हो गया हमारा parts of speech. अगला P, prefixes and suffixes. किसी word के आगे और पीछे लगा के हम कैसे नए word. And finally T, टोन ऑफ वर्ड्स. बताइए पैरागॉन का टोन क्या है? वेरी पॉजिटिव टोन. लेकिन मैं चाहूं तो इसको नेगेटिव कर दूं. दाऊद इब्राहिम इज द पैरागॉन ऑफ वाइस. समझ गए? वाइस की स्पेलिंग क्या है? वी आई सी ई, वर्च्यू का उल्टा वाइस. तो जस्ट लाइक महात्मा गांधी इज अ पैरागॉन ऑफ वर्च्यू. इफ आई वॉन्ट टू टेक क्रिएटिव लिबर्टी एज एन ऑथर और अ पोएट, ऑथर्स और पोएट्स को क्रिएटिव लिबर्टी दी जाती है लैंग्वेज में. क्या मतलब? उनपे सामान्य ग्रामर के रूल अप्लाई नहीं करते, तभी तो अच्छी पोयम लिखी जाएगी ना. पोयम में शब्दों के साथ जब तक मैं खेलूंगा नहीं, आर्टिकल्स में जब तक शब्दों के साथ मैं खेलूंगा नहीं, तो नए नए रंग कैसे निकलेंगे. तो मैंने अब क्रिएटिव लिबर्टी लेके क्या सेंटेंस बनाया? दाऊद इब्राहिम इज द पैरागॉन ऑफ वॉट? वाइस. तो नॉर्मली हम ऐसा कभी नहीं बोलेंगे, और ये सुनने को हमारे कानों को बहुत अटपटा भी लगेगा, इसीलिए उसको हम कम यूज करते हैं, बट टेक्निकली वो सही है. तो इसको कहते हैं टोन. ये फॉर्मूला कभी मत भूलना, इस फॉर्मूले को लाइफ लॉन्ग यूज करना. चलिए अगले वर्ड पे आ जाइए, सिनिकल. यस, व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर सिनिकल? वेरी गुड, ऑलवेज डाउटिंग. लिख लीजिए मीनिंग. ये तो सिर्फ हमारी टेस्ट स्लाइड है, इसलिए इसमें मैं बहुत इनडेप्थ नहीं जाऊंगा. इनडेप्थ वाली स्लाइडें अभी शुरू होंगी, एक्चुअल सेशन दो मिनट में शुरू होगा. सो सिनिकल इज समबडी इज ऑलवेज डाउटिंग. एंटोनिम क्या हो जाएगा सिनिकल का? ट्रस्टिंग.
ट्रस्टिंग का क्या मतलब? हमेशा भरोसा करने वाला, और ट्रस्ट वर्दी जिस पे भरोसा किया जा सके। दोनों शब्दों के बीच का अंतर समझ लेना। व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज ट्रस्टिंग, जो भरोसा करता है, एंड व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज ट्रस्ट वर्दी जिस पे भरोसा किया जा सके। ये टिपिकल फिल इन द ब्लैंक है। मैं आपको जो भी पढ़ा रहा हूं एक्चुअल एग्जाम के हिसाब से पढ़ा रहा हूं, ध्यान रखना, हर चीज नोट करते चलना। वर्बल एनालॉजी कितनी बढ़िया बन सकती है। ट्रस्टिंग इज टू ट्रस्टवर्दी, मतलब ट्रस्टिंग, मैं दूसरे पे ट्रस्ट कर रहा हूं, ट्रस्टवर्दी दूसरा आदमी, यानी ट्रस्टिंग इज टू ट्रस्टवर्दी में मैं इज टू दूसरा, यह कनेक्शन होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगले पे आ जाइए, बोहेमियन। Yes, sir. What kind of people are called Bohemian? Very good. People who are iconoclastic, people who are unorthodox, उन्हें Bohemian कहते हैं। For example, Maqbool Fida Hussain was a Bohemian artist. हमेशा नई नई चीजें करते थे ना, इसलिए Bohemian artist है। तो Bohemian एक बड़ा positive word है। Iconoclastic. What kind of a person is iconoclastic? Who breaks icons? What are icons? Symbols. आइकन क्या होता है? सिंबल होता है ना। कैपिटलिज्म का आइकन क्या है? मैकडॉनल्ड्स और कोका कोला। अगर कोई मैकडॉनल्ड्स को तोड़े, मतलब सिंबॉलिकली तोड़े, या कोका कोला को तोड़े, मतलब सिंबॉलिकली तोड़े, उनका एक पोस्टर बना के जला दे, तो वो आइकोनोक्लास्ट है, क्योंकि उसने उस आइकन को तोड़ा। तो कम्युनिस्टों ने यही करने की कोशिश की थी। एग्जॉटिक, अगर आपने कोई एक प्लान बनाया और आपके मम्मी पापा ने आपको बोला या टीचर ने बोला ये प्लान कभी हो ही नहीं सकता, इट्स अ क्विक्सोटिक प्लान, इसका मतलब इट इज एन इम्प्रैक्टिकल प्लान, अ प्लान विच इज नॉट रूटेड इन प्रैक्टिकल रियलिटी, दैट इज अ क्विक्सोटिक प्लान। और ये एक मिलिट्री कमांडर डैन क्विक्सोट के ऊपर से ये वर्ड आया है, उसकी हिस्ट्री है। तो क्विक्सोटिक मतलब ऐसे अजीबोगरीब प्लान बनाना जो कभी भी लागू नहीं किए जा सकें, दैट इज कॉल्ड क्विक्सोटिक। इसका एंटोनिम क्या होगा? प्रैक्टिकल। क्विक्सोटिक का उल्टा होगा प्रैक्टिकल। अगला वर्ड क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? ब्रेजन। यस, टेस्ट योरसेल्फ, स्क्रीन चल रही है अभी पहली हमारी, फटाफट आगे चले। ब्रेजन, ब्रेजन का पॉजिटिव वर्ड बताओ पहले तो मुझे। इसका पॉजिटिव मांगा है, मतलब ब्रेजन क्या होना चाहिए? नेगेटिव। वेरी गुड, तो ब्रेजन का टोन है नेगेटिव। तो टेल मी द पॉजिटिव सिनोनिम ऑफ ब्रेजन, जल्दी बोलो, इतना टाइम थोड़ी है। गुड ट्राई, नो। एनी अदर? नो। मैंने एक एग्जांपल पहले आपको पढ़ाया है वाइटल में, इंडियन सोल्जर्स के जो गर्दन काट दी थी पाकिस्तानी सोल्जर्स ने, तो हमने क्या बोला था? पाकिस्तानी सोल्जर्स क्या हैं? ब्रेव हैं कि ब्रेजन हैं? ब्रेजन हैं। और इंडियन सोल्जर्स क्या हैं? ब्रेव हैं। ब्रेव इसका सिनोनिम है पॉजिटिव, और ब्रेजन मतलब गलत तरीके से ब्रेव, एक्सेसिवली ब्रेव टू द एक्सटेंट ऑफ बीइंग फूलिश, दैट इज ब्रेजन। तो ब्रेजन एक नेगेटिव वर्ड होता है। मेक श्योर नोबडी कॉल्स यू ब्रेजन, और योर एटीट्यूड ब्रेजन, ये एडजेक्टिव है, ध्यान रखना। ब्रेजन इज एन एडजेक्टिव, क्विक्सोटिक इज एन एडजेक्टिव, बोहेमियन इज एन एडजेक्टिव, सिनिकल इज एन एडजेक्टिव, पैरागॉन इज एन एडजेक्टिव, ये सारे एडजेक्टिव्स हैं लाइन से, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलिए फटाफट। इंजीनियस, ये तो सबको पता है। यस, व्हाट इज इंजीनियस? वो तीन वर्ड कौन से थे जो हमने डिस्कस किए थे? इंजीनियस से मिलते जुलते दो और वर्ड थे ना, मैंने बोला था ग्रुप याद रखना, विच आर दोज थ्री वर्ड्स? एक तो हो गया इंजीनियस, दूसरे कौन से थे? इंजेनुअस याद आ रहा है कि नहीं? और तीसरा क्या था? इंडिजिनस याद आ रहा है? तो लेट अस स्टार्ट विथ इंजेनुअस। क्या मतलब था इंजेनुअस का? चलो भूल जाओ, अब जब आएगा तब डिस्कस करेंगे, याद ही नहीं है। दूसरा इंजीनियस, व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर इंजीनियस? क्लेवर, वेरी स्मार्ट, रास्ता निकालने वाले। इसको याद रखना, कितना आसान है, जीनियस याद रखो ना भैया, जीनियस इज इंजीनियस। बस एक चीज का ध्यान रखना, वो जीनियस में ओ नहीं आता है स्पेलिंग में, ये ध्यान रखना। वो तो सिमिलर साउंडिंग है, इसलिए मैं ट्रिक बता रहा हूं याद रखने की, जीनियस इज इंजीनियस। नारायण मूर्ति इज नॉट ओनली अ जीनियस बट ही ऑल्सो हैज इंजीनियस सोल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स, इस तरह से याद रख सकते हैं। और तीसरा वर्ड था इंडिजिनस। इंडिजिनस क्या होता भैया? लोकल, नेटिव। क्या मतलब? एग्जैक्टली,
भारत ने क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी जब रशिया ने देने से मना कर दिया क्योंकि अमेरिका का दबाव था, तो भारत ने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, क्रायोजेनिक इंजन तो हम खुद ही बना लेंगे, तुम हमें रोकने वाले कौन होते हो। एंड इंडिया डेवलप द क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी ऑन इट्स ओन। ऐसी टेक्नोलॉजी को हम क्या कहेंगे? इंडिजिनस टेक्नोलॉजी। क्यों जरूरी है क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी? वेरी गुड। एनीवन एल्स? छोटे छोटे सैटेलाइट्स तो आप बाहर भेज सकते हो नॉर्मल सॉलिड स्टेट टेक्नोलॉजी से या लिक्विड फ्यूल टेक्नोलॉजी से, लेकिन अगर 400 किलो, 500 किलो, 1000 किलो, 2000 किलो, 3000 किलो के सैटेलाइट या पेलोड ऊपर पहुंचाने हैं तो आपको क्रायो टेक्नोलॉजी लगती है, मतलब जो -50 डिग्री, -100 डिग्री पे फ्यूल लेके जाती है। ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है जो बहुत कम देशों के पास है। और आपको अगर GSLV छोड़ना है, PSLV भारत छोड़ता है आज तक छोटे सैटेलाइट्स, GSLV इज द रियल लार्ज स्केल सैटेलाइट्स, तो आपको क्रायो टेक्नोलॉजी लगेगी। भारत ने बना ली, खुद ही बना ली, किसी ने दिया नहीं। सो इंडिया इज नाउ इन द सुपरस्टार लीग ऑफ सैटेलाइट लॉन्चर्स। याद रखना ये मेटिकुलस। व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर मेटिकुलस? वेरी थरो। मेटिकुलस पीपल आर वेरी थरो पीपल। THOROUGH, उसको थरो मत बोलना, थरो। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज थरो। वेरी थरो पीपल, वेरी मेटिकुलस, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखने वाले, जैसे कि गांधी जी खुद हर चीज का ध्यान रखते थे। नेक्स्ट, वर्चुओजो। व्हाट काइंड ऑफ आर्टिस्ट आर कॉल्ड वर्चुओजोस? वेरी गुड, एक्सपर्ट्स। वर्चुओजो किसी बहुत बड़े आर्टिस्ट को ही कहेंगे ना, तो वर्चुओजो का उल्टा बताओ मुझे एक बड़ा अच्छा सा वर्ड। व्हाट विल बी एन एग्जैक्ट उल्टा ऑफ वर्चुओजो? वेरी गुड, नाइव। क्या प्रोनाउंसिएशन है भैया इस वर्ड का? नाइव। एंड व्हाट डज नाइव मीन? द उल्टा ऑफ वर्चुओजो। सो व्हाट इज वर्चुओजो? वेरी हाई लेवल एक्सपर्टीज वाला आदमी। तो नाइव एकदम ही ग्राउंड लेवल पे काम करने वाला, जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, कहने का मतलब वो है। आगे चलिए, वर्चुओजो का अच्छा, नेक्स्ट एफिशियोनाडो। ये किस कंटेक्स्ट में यूज होता है वर्ड एफिशियोनाडो? एक बिल्कुल पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में ही यूज होता है एफिशियोनाडो। किस कंटेक्स्ट में होता है भैया? ये जो टेस्ट स्लाइड मैं आपको दिखा रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू सी हाउ मच यू नो। आप में से ज्यादातर को ये चीजें पता होनी चाहिए। एफिशियोनाडो क्या होता है, किस कंटेक्स्ट में यूज करते हैं, किसी व्यक्ति के लिए? ही इज एन एफिशियोनाडो ऑफ। एनी गेसेस? इट इज यूज फॉर स्पोर्ट्स। कोई व्यक्ति किसी स्पोर्ट्स का बहुत ज्यादा फॉलोवर है तो उसको एफिशियोनाडो कहते हैं। ही इज एन एफिशियोनाडो ऑफ फुटबॉल और ऑफ सॉकर और ऑफ रग्बी और व्हाटएवर। एफिशियोनाडो दैट मींस एन आर्डेंट फॉलोवर। ठीक है, अगले आइए स्वाव। व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर स्वाव? स्वाव। व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वुड बी कॉल्ड स्वाव? अ वेरी पॉजिटिव वर्ड, स्वाव। When you join an MBA college, your expectation will be that in 2 years they should turn you from somebody with naive skills into somebody who is suave at things or who is suave. So what is suave? Polished. Very polished. Suave means very polished. That is suave. Pronunciation has suave, not suave. Most people call it suave, which is totally wrong. The correct pronunciation is suave. बहुत अच्छा वर्ड है ये, बहुत पावरफुल वर्ड है, और इसका मतलब है जो एकदम पॉलिश हो किसी फील्ड में। प्यूसिलैनिमस। यस, वेरी गुड। एनी अदर? प्यूसिलैनिमस इज द एग्जैक्ट एंटोनिम ऑफ विच वर्ड? कोई आदमी बहुत दिलदार है, उसके लिए इंग्लिश में कौन सा वर्ड एम से यूज होता है? मैग्नानिमस। मैग्नानिमस यानी जो बहुत बड़े दिल का आदमी है, जो दान देने में संकोच नहीं करे। फॉर एग्जाम्पल अजीम प्रेम जी। अजीम प्रेम जी इज अ मैग्नानिमस फिलैंथ्रोपिस्ट ऑफ इंडिया। फिलैंथ्रोपिस्ट कौन होता है? वन हु लव्स मैनकाइंड लिटरली एंड हु गिव्स डोनेशंस एक्चुअली। सो ही इज अ मैग्नानिमस फिलैंथ्रोपिस्ट। अजीम प्रेम जी भारत के बहुत बड़े परोपकारी हैं, दानवीर, दानदाता हैं। उसका ठीक उल्टा होता है प्यूसिलैनिमस। प्यूसिलैनिमस जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, दैट मींस बहुत ही छोटे दिल वाला या टिमिड, डरपोक, दोनों हो सकता है। एपिक्योर। व्हेन विल अ पर्सन बी कॉल्ड अ मैन विथ एपिक्यूरियन टेंडेंसीज? लेट मी ऑल्सो गिव यू अ हिंट। समबडी हु हैज एपिक्यूरियन टेंडेंसीज मस्ट हैव अ फैट वॉलेट।
Otherwise, he will not be able to indulge his Epicurean tendencies. Sir, any guesses? That is glutton. That is glutton. Epicurean is not bahut jyada khane wala. That is glutton. Aap jo maine clue diya uske saath jodo na yaar. If you have Epicurean tendencies, you should have a fat wallet. Ab batao, kya hoga Epicure? One who has a love for the very fine things. Sabse mehenge hotel mein jaake sabse mehengi dish bulwana. Epicure. Zaruri nahi ki wo puri dish bhi khaye. But wo sabse mehengi dish bulwayega. For that you need a fat wallet. You can't do it otherwise. That is the idea behind Epicure. Precautious. What kind of a child is precautious? What kind of a child is precautious? Very good. A gifted child. What do we mean by a gifted child? Your son is a gifted child. What does it mean? Very good. Inherently talented. Gifted child. Jisme zabardast talent hai. Inherently talented. That is a precautious child. Abhi hum test slide pe hi atke padhe. Aap log jyada input dijiye to kaam fast hoga. Insouciant. Somebody who doesn't have an interest in the ongoings. Somebody who is indifferent, insouciant. Erudite, pronunciation ka dhyan rakhna. Erudite, it is not erudite, it is erudite. Bataiye, what kind of people are called erudite? Very good. Learned, scholarly. Erudite ho gaya adjective. Humne baat ki thi, parts of speech, eight parts of speech. So erudite is an adjective. फटाफट उस एरुडेट एडजेक्टिव को जरा नाउन में कन्वर्ट करो तो भैया एरुडेट इज एन एडजेक्टिव राइट इसका नाउन बनाओ जल्दी बोलो आई रियली एप्रिशिएट योर डॉट 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 वेरी गुड एरुडिशन एक्सीलेंट एरुडिशन यानी आपकी आपके इस कौशल को इस ज्ञान को मैं उसकी तारीफ करता हूं एरुडिशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है हाँ एडजेक्टिव टू नाउन्स एंड नाउन्स टू एडजेक्टिव्स दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा आगे चलो तीन ही बचे हैं पावेनु नो पावेनु इज नॉट एनवायरमेंट गुरमे वेपेड तीनों के मीनिंग बताओ फटाफट गुरमे टी साइलेंट पहले बताया हुआ है मैंने क्या मतलब है गुरमे का Somebody who is fond, who is very fond of fine eating, fine food. Pardon? Yes, a connoisseur of fine food. But only food, please remember. Gourmet cannot be used for anything else. Vapid. Aur Parvenu, do baj gaye bhaiya, jaldi bolo. Chalo, to ye aapka homework hai. Ab dhoond ke nikalna Parvenu kis tarah ke vyakti ke liye aur Vapid kis tarah ki talking style ke liye. Chalu karte hain kaam. Let's move quickly. सो ये तो टेस्ट योरसेल्फ था और हमने देखा कि वी हैव अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर बट नो प्रॉब्लम वील कवर इट टुडे वी आर गोइंग टू फोकस ऑन पर्सनैलिटी टाइप्स पर्सनैलिटी ट्रेट्स एंड पीपल अलग अलग तरह के व्यक्तित्व और लोगों के लिए किन तरह के शब्दों का प्रयोग हो सकता है टाइटल डाल दीजिए पर्सनैलिटी टाइप्स ट्रेट्स एंड पीपल पर्सनैलिटी टाइप्स ट्रेट्स एंड पीपल ये है हमारा मेन सेशन जिसकी पहली स्लाइड अब आपके सामने है विच विल स्टार्ट विथ मैग्नानिमस आपको वर्ड्स लिखते जाने हैं पैरेलल में वैल्यू एडिशन करता जाऊंगा इनके वर्ड्स से जुड़े हुए और बहुत सारे नए वर्ड्स बताता जाऊंगा बाय द टाइम वी कम टू एन एंड वी विल हैव अ कंप्लीट ओरिएंटेशन ऑन ऑल द वर्ड्स विच एग्जिस्ट रिलेटेड टू पर्सनैलिटीज वी स्टार्ट विथ मैग्नानिमस इसका ठीक उल्टा थोड़ी देर पहले हमने देखा था कौन सा था प्यूसिलैनिमस एंड फॉर मैग्नानिमस किनका एग्जाम्पल मैंने दिया था Azim Premji. So we talked about Shri Azim Premji being magnanimous because he is a philanthropist. Philanthropist, one who loves mankind. Phil plus anthropos. So magnanimous is somebody like a philanthropist. Philanthropist mein do shabd aa gaye hain. Phil yani ki love aur anthropos yani ki mankind. तो जो भी मानवता से प्रेम करे वो फिलेंथ्रोपिस्ट है मतलब वो मैग्नानिमस है सिनोनिम्स लिख लीजिए क्या क्या सिनोनिम्स स्क्रीन पर दिख रहे हैं भाई जेनरस सारे वर्ड हम डिस्कस कर लेंगे जो भी वर्ड आपको कहीं समझ नहीं आए अलग से पूछ लेना वहीं के वहीं समझा दूंगा अदरवाइज मैं अपनी तरफ से बताता ही जाऊंगा लार्ज हार्टेड तो लार्ज हार्टेड का उल्टा हो जाएगा स्मॉल हार्टेड somebody who is large hearted and somebody who is small hearted
वी कैन यूज बोथ, बीच में डैश लगाना ध्यान रखना बिकॉज इट्स बीइंग यूज्ड एज वन वर्ड. सिनोनिम्स लिबरल नोबल एंड सबलाइम. लिबरल यू नो वेरी वेल उदारवादी, वन हु इज वेरी लिबरल राइट. उल्टा क्या होगा लिबरल का, वन हु इज वेरी ऑर्थोडॉक्स. नोबल, नोबल यानी बहुत शांत स्वभाव वाला, नोबल कैरेक्टर. सबलाइम, सब्लिमेशन एक प्रोसेस होती है फिजिक्स में. क्या होता है सब्लिमेशन में? वेरी गुड. सॉलिड टर्न्स टू गैस डायरेक्टली विदाउट गोइंग थ्रू द इंटरमीडिएट फेज. व्हाट इज द इंटरमीडिएट फेज? लिक्विड. सब्लिमेशन का मतलब होता है जब सॉलिड सीधे ही गैस बन जाए, उसको कहते हैं सब्लिमेशन. तो ये सब्लाइम एडजेक्टिव है, इसका नाउन है सब्लिमेशन, जो कि एक फिजिक्स की प्रोसेस है. तो सब्लाइम का क्या मतलब होगा? सब्लाइम मीन्स अबव द प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस. फॉर एग्जाम्पल, आप कुल्लू मनाली के वैलीज में गए छुट्टी मनाने, और आप आज के पहले कभी वैली में नहीं गए. तो कुल्लू मनाली की वैली में आप जैसे ही पहुंचे और आपने वो वैली को देखा, उतने बड़े बड़े पहाड़ों को देखा, तो आपके मुंह से निकला इट्स अ सब्लाइम एक्सपीरियंस. ये सुन के आपके सारे दोस्त बेहोश हो जाएंगे, वो अलग बात है कि इतना बड़ा वर्ड इसको पता कहाँ से चला, बट आप बोल तो सकते हैं इट्स अ सब्लाइम एक्सपीरियंस. व्हाट डू वी मीन व्हेन वी से इट्स अ सब्लाइम एक्सपीरियंस? एन एक्सपीरियंस विच इज रिमूव फ्रॉम द प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस. एक बिल्कुल ही अलग एक्सपीरियंस हो गया. यू समझ में आ गया सब्लाइम का, और उसका रिलेटेड प्रोसेस क्या है समझ में आ गई? कौन सी प्रोसेस है भैया? सब्लिमेशन. लिख लिया आपने व्हाट इज सब्लिमेशन? इंटरव्यू में पूछेगा. हाँ, इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चन सबसे पूछे जा सकते हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताएं, फिजिक्स के कुछ बेसिक प्रिंसिपल. व्हाई डज द प्लेन फ्लाई? व्हाई डज द शिप नॉट सिंक? व्हाट इज द लॉ ऑफ बॉयंसी? व्हाई पुलिंग इज ऑलवेज इजियर देन पुशिंग? ये सब बेसिक क्वेश्चंस जो होते हैं, ध्यान रखिएगा. ओके, एंटोनिम पे आ जाइए. स्टिंजी. स्टिंजी मतलब कंजूस. स्टिंजीनेस इज द नाउन. स्टिंजी इज द एडजेक्टिव. स्टिंजीनेस इज द नाउन. पेरोकियल. नाउ दैट्स अ वेरी पावरफुल वर्ड. इसको हम फटाफट देख लेते हैं भैया. पेरोकियल, पेरोकियल इज समबडी हु इज एक्सट्रीमली नैरो माइंडेड. फॉर एग्जाम्पल, द खाप पंचायत ऑफ हरियाणा. वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स फॉर पेरोकियल विल बी वॉट? द खाप पंचायत ऑफ हरियाणा. वाई? वाई डिड आई से सो? वॉट डू दे डू दैट मेक्स देम क्वालिफाइड एज और क्लासिफाइड एज पेरोकियल? वेरी गुड, दे गो फॉर ऑनर किलिंग्स. एंड वेरी गुड, दे अपोज इंटरकास्ट मैरिज. इसका मतलब वो समय के साथ बदलना ही नहीं चाहते. वो ये बोलते हैं कि मार डालो पर समय के साथ बदलो मत. ऐसे लोगों के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? पेरोकियल. पेरोकियल के क्या सिनोनिम होंगे? प्रोविंशियल. बड़ा प्रांतवादी आदमी है प्रोविंशियल. आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा, तमिलनाडु में पेरेंट्स ने अब विरोध करना शुरू कर दिया है तमिल सरकार का, और तमिलनाडु की सरकार को विरोध ये सामना करना पड़ रहा है. पेरेंट्स बोल रहे हैं हमारे बच्चों को हायर क्लासेस में तमिल मत पढ़ाओ, हिंदी पढ़ाओ, बिकॉज इफ दे ओनली स्टडी तमिल इन एडिशन टू इंग्लिश ऑफकोर्स इन द हायर क्लासेस, वेन दे मूव आउट ऑफ तमिलनाडु वॉट विल दे डू? और ये एक्चुअल फैक्ट है, तमिलनाडु के बच्चों को अदर देन तमिलनाडु भयंकर तकलीफ होती है, क्योंकि द गवर्नमेंट इज वेरी प्रोविंशियल इन दैट आउटलुक कि नहीं और कुछ सीखना ही नहीं. मेरे ख्याल से ये गलत अप्रोच है, बच्चों पे छोड़ देना चाहिए, पेरेंट्स पे, कि भाई तमिल भी है हिंदी भी है. 90% लोग हिंदी ले लेंगे क्योंकि उनको नौकरी के लिए बाहर जाना है. नॉर्थ इंडिया आएंगे तो काम कैसे चलेगा? ये प्रोविंशियल, दिस इज कॉल्ड प्रोविंशियल, दिस इज कॉल्ड पेरोकियल. तमिल संस्कृत के समान ही एक प्राचीन भाषा है, ये ध्यान रखिएगा. जितनी संस्कृत पुरानी है उतनी ही शायद तमिल भी पुरानी है, और तमिल लिटरेचर इज वेरी समृद्ध, जस्ट लाइक संस्कृत लिटरेचर इज वेरी समृद्ध. तमिल लिटरेचर में जो सबसे बड़ा कलेक्शन माना जाता है, क्या नाम माना जाता है उस लिटरेचर का? सेकेंड सेंचुरी BC से जो चालू हुआ तमिल लिटरेचर, संगम लिटरेचर. ये आप लिख लीजिएगा, GK का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा फेवरेट है एग्जामिनर्स का. तमिल लिटरेचर की सबसे बड़ी बॉडी सेकेंड सेंचुरी BC से, इट इज कॉल्ड संगम लिटरेचर. सिर्फ इतना याद रख लेना, काम हो जाएगा आपका. तो ये पेरोकियल से देखो क्या क्या निकल आया. एंड पार्सिमोनी जी, पैसा नहीं छूटता जिससे. पैरागॉन पे आ जाइए. शुरू में हमने वर्ड देखा था, अ परफेक्ट मॉडल, जो कि हमने गांधी जी के केस में यूज किया था. पैराडाइम, वो वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसकी प्रोनंसिएशन का भी ध्यान रखिएगा. क्या प्रोनाउंस किया मैंने अभी, उसको सुनाई नहीं दिया, एक बार सब लोग एक साथ बोलो, पैराडाइम.
लिखते DIGM है, प्रोनाउन DYME करते हैं, पैराडाइम, प्रोटोटाइप. फॉर एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा इस चीज को. Nowadays you have 3D printers. पहले 2D printer होते थे कागज पे, अब 3D printer आ गए. क्या होता है 3D printer में, पूरे पूरे ऑब्जेक्ट्स प्रिंट होके बाहर आ जाते हैं. तो एक सेंटेंस बनाते हैं 3D printer और पैराडाइम प्रोटोटाइप से. अर्लियर इफ आई हैड टू मेक प्लास्टिक बॉटल्स इन अ फैक्ट्री, आई नीडेड अ प्रोटोटाइप मोल्ड फ्रॉम अ मोल्ड मेकिंग कंपनी. And that prototype mold would cost me several lakh rupees. From that mold, I would put plastic in and would manufacture bottles. Today, I don't need to spend lakhs of rupees making a mold, metallic mold. The prototypes can be directly printed from a 3D printer. Aise use hoga. Samajh mein aa gaya kaise use hoga? This is how it is used. Antonym, slur. Slur ka matlab hai anything which is derogatory. स्लर ऑफ स्पीच के लिए भी यूज करते हैं, और किसी भी सेंस में जो डेरोगेटरी है, अपमानजनक है. स्कम ऑफ द अर्थ, ये एक अब्यूज होती है. स्कम ऑफ द अर्थ यानी दुनिया की गंदगी. स्कम ऑफ द अर्थ एंड इट इज नॉट एन एग्जैक्ट एंटोनिम, बट दिस इज अ कोलोकियल एंटोनिम. बोल चाल की भाषा में जो विलोम होता है वो ये है, स्कम ऑफ द अर्थ, पैरागॉन का उल्टा. तो अगर हम गांधी जी को पैरागॉन बोलेंगे तो हम हिटलर को स्कम ऑफ द अर्थ बोल सकते हैं. दिस इज हाउ इट विल बी यूज. Although the followers of Hitler may think exactly the opposite, but Pollyanna, adjective hai. For example, ever since the Narendra Modi government assumed charge, banks, investment bankers and investors in India, their attitude has turned Pollyanna. That means what has changed in their attitude? What has their attitude now become? They are very sanguine about the future. Sanguine का क्या मतलब होता है? Very good. Sanguine word का root फिर से देख लेते हैं. Sanguine actually means related to blood. तो आपके शरीर में blood का flow अच्छा है तो चेहरा लाल हो जाएगा, मतलब आप healthy हैं. तो sanguine means somebody who is very confident. इसीलिए अगर accident में सड़क पे आपकी दुर्घटना हो जाए, खुदा ना खास्ता किसी की, और खून बहने से मौत हो जाए, तो उसको कहते हैं एक्सेंग्विनेशन. एक्स यानी खून बाहर निकलना, सेंग्विनेशन खून बाहर निकलना, उससे होने वाली मौत को कहते हैं डेथ ड्यू टू एक्सेंग्विनेशन. तो रूट क्या था? सेंग्विन. सेंग्विन यानी कॉन्फिडेंट. कॉन्फिडेंस कहां से आया? प्रॉपर ब्लड फ्लो से आया. ये कनेक्शन पूरा समझ में आ रहा है? दिस इज हाउ वर्ड्स इवॉल्व. शब्दों का जो इवोल्यूशन होता है वो ऐसे होता है. तो सारे वर्ड एक बार देख लो, कुछ उसमें पोलियाना में पूछना हो तो चेयरफुल, वन हु इज फुल ऑफ चेयर. ऑप्टिमिस्टिक, उसका उल्टा क्या होगा? पेसिमिस्टिक. और उसका न्यूट्रल क्या होगा? रियलिस्टिक. ही इज एन ऑप्टिमिस्ट, ही इज अ पेसिमिस्ट, ही इज अ रियलिस्ट. क्या फर्क है बिटवीन एन ऑप्टिमिस्ट एंड अ रियलिस्ट? ऑप्टिमिस्ट, पेसिमिस्ट, रियलिस्ट. ऑप्टिमिस्ट आशावादी, पेसिमिस्ट निराशावादी, रियलिस्ट यथार्थवादी. क्या फर्क होता है ऑप्टिमिस्ट और रियलिस्ट में? जल्दी बोलो. वेरी गुड. एंड रियलिस्ट इज? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. ऑप्टिमिस्ट इज समबडी हु इज बिल्डिंग कैसल्स इन द एयर, जो कि जरूरी है, नहीं तो समाज आगे बढ़ेगा ही नहीं, ये तो मानना पड़ेगा. और रियलिस्ट कौन है? वो आज की स्थिति को देख के बात करता है. तो अगर 2014-15 में इंडिया की बात करें तो एक ऑप्टिमिस्ट कौन होगा? इंडिया की इकोनॉमी 8% पर एनम जीडीपी रेट से बढ़ना शुरू हो जाएगी, इसको क्या कहेंगे? ऑप्टिमिज्म, पेसिमिज्म और रियलिज्म. मुझे लगता है कम से कम 2016 तक का समय देना होगा जब हमारी इकोनॉमी फिर से 8% की रेट से ग्रो करे. ऑप्टिमिज्म, रियलिज्म, पेसिमिज्म? दिस इज रियलिज्म. तीसरा सेंटेंस, मुझे लगता है 5 से 10 साल भी बीत जाएं तो हम कभी भी अब 5% पर एनम के ऊपर नहीं उठ सकते. पेसिमिज्म. तीनों के बीच का फर्क समझो. और ये फर्क समझने के लिए जीके के फैक्ट्स साथ में होना जरूरी है, उसके बिना नहीं कर पाओगे. और इसलिए ये मालूम होना चाहिए कि हम 4.7-4.8 से बढ़ रहे हैं और शायद 2 साल बाद हम 6-7-8 से बढ़ने लगेंगे, उसके पहले नहीं. होपफुल, सैंग्विन, कॉन्फिडेंट, एंटोनिम पेसिमिस्टिक, सिनिक, मैलिस्ट. मैलिस्ट में रूट वापस वही है, मैले. दैट मींस वन हु ऑलवेज सीज द बैड साइड ऑफ थिंग, ठीक है. एंड डिफीटिस्ट. हु इज द डिफीटिस्ट? TIST, डिफीटिस्ट. हु इज द डिफीटिस्ट? One
who always believes that he will lose out if it is. आगे चलो भैया एस्थीट. इसका एक सिनोनिम हमने पहले देखा था, एपिक्यूरियन देखा था हमने. एपिक्योर क्या होता है, क्या बताया था, हु इज एन एपिक्योर, वेरी फाइन टेस्ट. उसका सिनोनिम देख लीजिए एस्थीट, वन हु हैज वेरी फाइन टेस्ट एंड आर्टिस्टिक फ्लेयर, दैट्स एन एस्थीट. एन आर्टिस्टिक फ्लेयर. अब ये जो आर्टिस्टिक फ्लेयर लिखा हुआ है, अगर किसी व्यक्ति में आर्टिस्टिक फ्लेयर या आर्ट के लिए एप्रिसिएशन बिल्कुल ही नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द होता है, द वर्ड टू डिस्क्राइब पीपल हु हैव नो टेस्ट इन आर्ट एंड सच पीपल आर कॉल्ड फिलिस्टीन्स. ठीक है, सो हु इज अ फिलिस्टीन, हु इज अ फिलिस्टीन, क्या बताया अभी, वन हु डजंट हैव एनी टेस्ट इन आर्ट. काइंडली डू नॉट कंफ्यूज द वर्ड फिलिस्टीन विद अनदर डिफरेंट वर्ड विद अ कैपिटल पी, विच इज दैट अदर वर्ड, पैलेस्टाइन. पैलेस्टाइन वो देश है, पैलेस्टीनियन जो वहां रहते हैं. फिलिस्तीन इज अ डिफरेंट वर्ड. एनी पर्सन इन द वर्ल्ड हु डजंट बिलीव इन आर्ट, पैलेस्टाइन इज दैट कंट्री. इसलिए प्रोनंसिएशंस इंपॉर्टेंट होते हैं. फिलिस्तीन, पैलेस्टाइन. यू हैव टू प्रैक्टिस प्रोनाउंसिंग वर्ड्स प्रॉपरली. अगर यहां मिक्स कर दिया तो अर्थ का भयानक अनर्थ होगा. वो गलती करना मत, उसकी बड़ी सजा मिलती है. नहीं तो कॉनोजेयर, वन ऑफ यू हैड सजेस्टेड दैट अर्लियर. इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, स्पेलिंग ध्यान से देख लीजिए. डोंट मेक अ मिस्टेक आइदर विद द एन और विद द एस. फॉर एग्जाम्पल, सुनील गावस्कर वॉज अपॉइंटेड इन द क्रूशियल पोस्ट इन BCCI बाय द सुप्रीम कोर्ट बिकॉज ही वॉज कंसिडर्ड अ कॉनोजेयर ऑफ क्रिकेट. सुनील गावस्कर को अपॉइंट किया ना सुप्रीम कोर्ट ने, किस पोस्ट पे किया, क्यों किया सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि पिछले 40 साल का रिकॉर्ड देखा गया. 1970 में सुनील गावस्कर वेस्ट, सुनील गावस्कर कैरिबियन गए थे वेस्ट इंडीज, और वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के सामने सुनील गावस्कर अकेले चट्टान बन के खड़े थे जब उनके 7-7 फुट के बॉलर्स गेंद डालते थे. अब तो उस हाइट के बॉलर्स ही नहीं बचे. तब बॉलर 7 फुट का या 6.5 फुट का होता था और उसका हाथ उसके ऊपर, और वो ऊपर से फेंकता था तो पूरी टीम धराशायी हो जाती थी. अपनी पहली सीरीज में सुनील गावस्कर ने 750 रन ठोक दिए और वेस्ट इंडियंस की ऐसी दाल पतली की कि उस दिन इंडियन क्रिकेट का सिक्का जम गया. और सुनील गावस्कर इसलिए लिटिल मास्टर कहलाए, और उनके जैसा बैट्समैन इंडिया में सही मायने में पैदा नहीं हुआ. उन्होंने कभी हेलमेट नहीं लगाई, ध्यान रखिएगा. ही वुड जस्ट वेयर अ कैप. तब ये सब भी नहीं होते थे पैड जो पूरे, आज तो ये पूरा आर्मर्ड व्हीकल बन के आते हैं पूरा ऊपर से नीचे तक. सुनील गावस्कर कुछ नहीं पहनते थे. अरे बाउंसर इतने भयंकर, बॉडी लाइन बाउंसर्स, एक से एक नाम आप देख लीजिए 1970s के बॉलर्स के. उस दौरान सुनील गावस्कर ने इंडियन क्रिकेट को उस ऊंचाई पर पहुंचाया. उसका नतीजा है कि आज सुप्रीम कोर्ट ये समझता है कि ये आदमी की डेप्थ क्या है. इट्स नॉट एक्सीडेंटल, इट डजंट हैपन ओवरनाइट. आप अगर क्रिकेट को अपनी हॉबी इंटरव्यू में बताएंगे, इफ यू प्लान टू से दैट यू आर इनटू क्रिकेट, सो मेक श्योर दैट यू रिवाइज दीज फैक्ट्स बिफोर यू गो टू द इंटरव्यू, बिकॉज एन इंटरव्यूअर लाइक मी वुड लव टू आस्क यू दीज क्वेश्चंस. समझ गए. मैलकम मार्शल नाम का गेंदबाज था, उसकी गेंद खेलना इम्पॉसिबल था, इतनी फास्ट आती थी. तो 2 बॉलों पर 2 विकेट हो चुके थे, फिर सुनील गावस्कर जी आए. वो बेचारा आउट ही नहीं कर पाया उनको, उसने सारी ताकत लगा ली, कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया सुनील गावस्कर का. वो 4 slips 2 gully लगवाता था मेलकम मार्शल, कि बस टच कर दे तू तो एक बार, तो कैच आउट ही होना है. गावस्कर ने कहा जो तुझसे बन पड़े कर, तू मेरे को तो आउट नहीं कर पाएगा. और ये ऐसे कुछ हीरोज हुए हैं इंडियन स्पोर्ट्स में जिन्होंने बहुत लंबा भारत को आगे सफ़र करने में मदद की है. अनफॉर्चुनेटली आज के मीडिया में उनका नाम नहीं है, बट जेंटील बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है. जेंटील मीन्स अर्बेन एंड पॉलिश्ड. इट्स नॉट जेंटल, इट्स जेंटील. Please remember the two are different. Genteel, gentle. These are two different words. Gentle and genteel. Genteel means urbane, sophisticated. That's genteel. आगे चलिए. कोई भी word कहीं समझ नहीं आए तो पूछ लेना. Then we have karmajan, churlish, boorish. That means someone with a very pathetic attitude. Someone with a very petty attitude. That's karmajan, churlish, boorish.
ये सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं, कमजन, चरलिश, बुरिश, वेरी नेगेटिव एटीट्यूड, वेरी पैथेटिक एटीट्यूड. ग्रिगेरियस बड़ा अच्छा वर्ड है. ग्रिगेरियस का रूट बताइए. ग्रास पीटी फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है. वेरी गुड. व्हाट डज ग्रेग मीन? बोलो यार भैया. ग्रेग मीन्स क्राउड और अ ग्रुप. वेरी गुड. किसी भी शब्द में अगर ग्रेग दिखा मतलब इट इज रिलेटेड टू क्राउड. यहां क्या दिख रहा है, कौन सा वर्ड? ग्रिगेरियस. सो व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर ग्रिगेरियस? दे लव टू लिव अलोन और दे लव टू लिव इन ग्रुप्स? दे लव टू लिव इन ग्रुप्स. ऐसे लोगों को एक्सट्रोवर्ट कहा जाता है, ऐसे लोगों को सोशियबल कहा जाता है, ऐसे लोगों को सोशल कहा जाता है, ऐसे लोगों को ये बाकी के सारे वर्ड जो लिखे कहा जाता है. एफेबल मतलब जो मित्रता के लिए आसान हो. एमिएबल जो बड़ा प्लास्टिक है. एमिएबल एटीट्यूड. एमिएबल एटीट्यूड क्या होती है? जो नई सरकार भारत की 2014 में बनी वो नक्सलाइट से क्या उम्मीद रखेगी? नक्सलाइट्स कैसी एटीट्यूड शो करें? एमिएबल एटीट्यूड. क्या मतलब एमिएबल एटीट्यूड का? प्लास्टिक. प्लास्टिक का क्या मतलब? फ्लेक्सिबल. फ्लेक्सिबल का क्या मतलब? मोल्डेबल. मोल्डेबल का क्या मतलब? सॉफ्ट एंड प्लायंट. सारे वर्ड्स लिख लो. तो वी विल एक्सपेक्ट एन एमिएबल एटीट्यूड फ्रॉम द नक्सलाइट्स. इसका क्या मतलब? सॉफ्ट, प्लायबल, मोल्डेबल, इलास्टिक, प्लास्टिक, फ्लेक्सिबल, चेंजेबल, इवॉल्वेबल. ये सारे वर्ड एक ग्रुप में है. रूल याद रखना, रिमेंबर वर्ड्स इन ग्रुप्स, ऑलवेज एसोसिएट. हमने नक्सलाइट्स के साथ एसोसिएट किया, याद रखना आसान रहता है. ये स्टैंडर्ड ट्रिक्स हैं, इसके बिना वोकैबुलरी कर पाना बहुत मुश्किल है. एंटोनिम इनहिबिटेड रिजर्व्ड. इनहिबिटेड का क्या मतलब? इंट्रोवर्टेड. व्हाट डू वी मीन बाय एक्सट्रोवर्टेड? एक्सट्रो मीन्स व्हाट? आउटर. एंड वर्टो मीन्स व्हाट? टर्न्ड. किसी की पर्सनैलिटी बाहर की तरफ मुड़ी हुई है तो वो क्या कहलाता है? एक्सट्रोवर्ट. इंट्रोवर्ट कौन है भैया? जिसकी पर्सनैलिटी कहां मुड़ी हुई है? इंटरनल. और एम्बीवर्ट कौन है भैया? एग्जैक्टली. सो यू हैव एक्स्ट्रो, इंट्रो, एम्बी. कहीं भी इनको जोड़ दो मतलब तो वही रहेगा. यहां वर्ट है मतलब टर्न. तो पर्सनैलिटी के केस में एक्सट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी बाहर की तरफ टर्न, इंट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी टर्न्ड इनवर्ड, एम्बीवर्टेड पर्सनैलिटीज टर्न्ड बोथ वेज. मोस्ट ऑफ अस आर बेसिकली एम्बीवर्ट्स. हमें कभी कभी अकेला रहना अच्छा लगता है, कभी कभी अचानक हमें दोस्तों की याद आती है, खासतौर पर जब पैसे खत्म हो जाते हैं. तो एक्स्ट्रोवर्टेड, इंट्रोवर्टेड, एम्बीवर्टेड. बड़े दिल की बात बोल दी मैंने आपकी. ओके. सिनिकल. सिनिकल इज वन जो हमने क्लास की शुरुआत में देखा, वन हु नेवर ट्रस्ट्स अदर्स, वन हु इज वेरी डाउटिंग. सो सच पीपल बिकम हाइपर क्रिटिकल. हाइपर. हाइपर का उल्टो क्या होता है? वेरी गुड. हाइपर का ठीक उल्टा होगा हाइपो. हाइपर मतलब नॉर्मल के ऊपर, हाइपो मतलब नॉर्मल के नीचे. ठीक है, हाइपर, हाइपो. हाइपर क्रिटिकल बहुत ही ज्यादा बुराई करने वाला हर चीज में, ऐसे आदमी को हम कहेंगे सिनिकल. स्केप्टिकल. एग्नोस्टिक बड़ा अच्छा वर्ड है. हमने थियोलॉजी पढ़ी है वाइटल में. थियोलॉजी, थीजम, थीस्ट, एग्नोस्टिक, एथीस्ट. याद है कि नहीं ये वर्ड्स? हु इज अ थीस्ट? वन हु बिलीव्स इन रिलीजन, गॉड. हु, व्हाट इज थीजम? द स्टडी ऑफ रिलीजन, स्टडी ऑफ गॉड. व्हाट इज और हु इज एन अपोस्टेट? वेरी गुड. वन हु अबैंडन्स हिज रिलीजन. हु इज द प्रोसेलिटाइजर? मैंने अपोस्टेट के बाद पूछा है ना, तो उससे जोड़ के बताओ. हु इज द प्रोसेलिटाइजर? एग्जैक्टली. वन हु फोर्सेस अदर और मोटिवेट्स अदर टू कन्वर्ट टू हिज रिलीजन. ये सारे वर्ड हमने वाइटल में पढ़े, आज याद दिला रहा हूं. एक बार रिवाइज करो. पहला वर्ड क्या था? थीस्ट. दूसरा क्या था? थीजम. ये एग्नोस्टिक आया ना स्क्रीन पे, इसलिए कर रहे हैं हम. तीसरा वर्ड क्या देखा हमने? एथीस्ट. वन हु डजंट बिलीव इन रिलीजन. चौथा वर्ड क्या देखा? अपोस्टेट. अपोस्टेट कौन होता है भैया? वेरी गुड. वन हु अबैंडन्स. ऐसे के लिए आर से कौन सा वर्ड आएगा जो मिलिट्री से भागने वालों के लिए भी यूज होता है?
जिसमें कोर्ट मार्शल की सजा होती है? वेरी गुड, बट रेबल यानी विद्रोही। तो रेबल्स आर, एक दूसरा वर्ड और बताओ, रेबल्स आर, आर से स्टार्ट होके क्या कहते हैं ऐसे लोगों को जो आर्मी से भाग जाते हैं? दे आर कॉल्ड रेनेगेड्स, आर ई एन ई जी ए डी ई एस, रेनेगेड्स यानी अपना वादा तोड़ने वाला, वन हु रेनेजेस ऑन द प्रोमिस, अपने वादे से मुकर जाना को कहते हैं रेनेजेस, ही हैज रेनेज्ड ऑन हिज प्रोमिस, तो ऐसे आदमी को कहेंगे रेनेगेड, यानी जो भाग गया। 1983 में ऑपरेशन ब्लू स्टार जब कंडक्ट हुआ था, जिसमें सिखों के महान तीर्थ स्थल गोल्डन टेम्पल में भारत सरकार को मजबूरन सेना भेजनी पड़ी थी, क्योंकि उनके चरमपंथी नेता जर्नैल सिंह भिंडरांवाले अंदर एक मिनी आर्मी बना चुके थे। उस वक्त भारत सेना के सिख सिपाहियों ने दो तीन राज्यों में विद्रोह कर दिया था और वो आर्मी छोड़ के हथियार लेके दिल्ली की तरफ, अमृतसर की तरफ कूच कर गए थे। पूरी भारत सेना को भारत भर में अलर्ट करके उन सभी सिख रेनेगेट्स को पकड़वाया गया था, फिर उनको कड़ी सजा हुई थी और कईयों को फिर माफ भी किया गया था। ये होता है रेनेगेट, ये वर्ड वहां से निकला, एग्नोस्टिक से जोड़ते जोड़ते हम यहां तक पहुंच गए। एंटोनिम अकोमोडेटिंग, व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर अकोमोडेटिंग, आईएनजी लगा हुआ है, जेरंड है, ये अकोमोडेट वर्ब है, वर्ब में हम आईएनजी लगाते हैं क्या बन जाता है, जेरंड बन जाता है, तो वर्ब प्लस आईएनजी इज अ जेरंड, अकोमोडेटिंग। व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर अकोमोडेटिंग, वेरी गुड, दोज हु एक्सेप्ट अदर्स। एकोमोडेशन क्या होता है, रहने की जगह, तो एकोमोडेटिंग है ना अपने दिल में रहने की जगह देना, ये मतलब है। फॉर एग्जाम्पल, द न्यूली मैरिड गर्ल वॉज टोल्ड बाय हर पेरेंट्स, डोंट वरी, इन योर इन लॉस प्लेस यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ देम वेरी एकोमोडेटिंग, देख लेना, गलती मत करना, मतलब वहां वो तुम्हें आसानी से स्वीकार कर लेंगे। एकोमोडेशन, एकोमोडेट, एकोमोडेटिंग, ध्यान रखना। तो एकोमोडेशन क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, एकोमोडेट क्या है पार्ट ऑफ स्पीच, वर्ब, एकोमोडेटिंग क्या है पार्ट ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव, तीनों लिख लो एक के नीचे एक फटाफट। आई वॉन्ट यू टू डेवलप दैट थॉट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एकोमोडेशन, एकोमोडेट, एकोमोडेटिंग, पहला था नाउन, दूसरा था वर्ब, तीसरा है एडजेक्टिव, पार्ट्स ऑफ स्पीच, एग्जाम में ऐसे के ऐसे आपको सामने दिखाई देंगे ये, इसलिए तैयारी रखना। ओके, बोहेमियन, हमने बात की समबडी हु इज वेरी डिफरेंट। अब आपको स्क्रीन पे कुछ नए वर्ड दिख रहे हैं, वियर्ड एंड बिजार, ये वर्ड तो नेगेटिव हो गए, इसका मतलब बोहेमियन कैन बी अ वेरी पॉजिटिव वर्ड और अ नेगेटिव वर्ड, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू यूज इट। आपको दो वर्ड दिख रहे हैं बोहेमियन के साथ, कौन से दिखे, वियर्ड और बिजार दिख रहे हैं ना, बिजार का क्या मतलब होता है, बेहद अजीब, बिजार, ऑकवर्ड, एक्सट्रीमली ऑकवर्ड। फॉर एग्जाम्पल, बहुत अच्छा सेंटेंस बताता हूं और एक एग्जाम्पल देता हूं आपको, ऑन दिस प्लैनेट अर्थ व्हाट परसेंटेज ऑफ अर्थ इज कवर्ड विथ वॉटर, अराउंड 70%, यह ज्यादा है, 71%, यह ज्यादा है, 79%, एवरेज निकाल लें, जितना भी है, जितना भी पानी से भरा हुआ है, जैसे जैसे पानी की गहराई में आप जाओगे, वहां पाए जाने वाले जानवर दे टर्न मोर एंड मोर एंड मोर बिजार, क्यों, इतने प्रेशर के नीचे रह रहा है, लाइट ही नहीं है तो पूरी बॉडी चेंज हो जाती है, उसको आंखों की जरूरत ही नहीं रहती है, उसके मुंह का पूरा शेप बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि उतने नीचे ना तो लाइट है, प्रेशर इतना ज्यादा है, खाना नहीं है, द एनिमल टर्न्स मोर एंड मोर एंड मोर बिजार, विच इज द डीपेस्ट पॉइंट ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, द मैरियाना ट्रेंच, व्हाट इज इट्स डेप्थ एंड वेयर इज इट फाउंड, पैसिफिक ओशन, डेप्थ क्या भैया, आप नोट कर लीजिए, डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ सर्फेस, मैरियाना ट्रेंच, ट्रेंच का मतलब होता है गड्ढा, मैरियाना ट्रेंच इन पैसिफिक ओशन, 11022 मीटर्स, तो मैरियाना ट्रेंच सबसे गहरा पॉइंट है अर्थ के सरफेस पे, 11022 मीटर मतलब 11 किलोमीटर गहरा है वो मीन सी लेवल से, और वहां भी जानवर मिलते हैं, तो उनकी बॉडी बिजार हो जाती है, इसलिए हमने यूज किया।
एंटोनिम देख लीजिए बोहेमियन के, डेकरस. डेकरस मींस वन हु सूट्स द सिचुएशन. दूसरा द रेग्योर, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, द रेग्योर. द रेग्योर मींस कंपल्सरी एज पर रूल्स. द रेग्योर दैट मींस वॉशिंग योर हैंड शुड बी द रेग्योर बिफोर टेकिंग एनी मील. क्या मतलब? खाना खाने से पहले हमें हमारे हाथ हमेशा धोने चाहिए, ये एक नियम होना चाहिए. इसमें हमें बोहेमियन नहीं बनना है. दिस इज हाउ यू यूज द वर्ड द रेग्योर. सेंटेंस आप लिख लीजिए, वॉशिंग अ हैंड बिफोर मील्स इज द रेग्योर. दिस इज हाउ यू यूज द वर्ड द रेग्योर, विच मीन्स इट इज द नॉर्म, देर इज नो एक्सेप्शन अबाउट इट. इसमें आप कुछ भी एक्सेप्शन कर ही नहीं सकते, ये है कहने का मतलब. एस्टैब्लिश्ड कन्वेंशनल. आगे चलिए भैया, स्लाइड नंबर 3 पे आ जाए. सैटर्निन से शुरू हो रही है. If somebody is very happy, very cheerful, very positive, very bright, उसका ठीक उल्टा होगा Saturnine. Saturnine is dull, dark, damp, gloomy and not cheerful at all. That is Saturnine. So if, like in the Kedarnath region, in 2013, there were huge landslides, and hundreds of people died and are still missing. What kind of an environment would be found in the families of these people? Saturnine. समझ गए? सारे वर्ड देख लीजिए, डार एंड सरली, ये सबका मतलब है भयंकर निराशा से भरा हुआ, क्योंकि उनके साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया है. एंटोनिम देखिए, बड़े मजेदार एंटोनिम से. पहला एंटोनिम क्या है? Vivacious. उसका सही प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखिएगा, vivacious. इट्स अ वेरी 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 पॉजिटिव वर्ड. Vivacious means one who is full of energy, one who is full of ideas, one who is full of motion and movement. What a vivacious young girl she is. Vivacious, full of energy. स्प्राइटली, स्प्राइटली मतलब एनर्जी. उसका एक और सिनोनिम है जॉन्टी. जॉन्टी यानी उछल कूद से भरपूर. किड्स के लिए यूज होता है, व्हाट अ जॉन्टी किड ही इज, यानी हमेशा उछल कूद करने, जॉन्टी. और एडल्ट्स के लिए हम वाइवेशियस यूज करते हैं, वन हु इज फुल ऑफ अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड ऑलवेज सजेस्टिंग आइडियाज, टेलिंग थिंग्स, वाइवेशियस. ब्रेजन. ब्रेजन मैंने पाकिस्तानी सोल्जर्स के केस में यूज कर लिया था. अनड्यूली ब्रेव. तो आप बहादुर हो सकते हो और आप बहुत गलत तरीके से बहादुर हो सकते हो. तो गलत तरीके से बहादुर को क्या कहते हैं भैया? ब्रेजन. सिनोनिम देख लीजिए, पुशी. पुशी, अगर कोई बॉस अपने एम्प्लॉय को कोई टारगेट दे रहा है और बहुत पुशी है उस चीज को लेके, उस केस में भी ब्रेजन यूज हो सकता है. कंटेक्स्ट पर डिपेंड करता है. इंप्यूडेंट इंसोलेंट. इंप्यूडेंट का मतलब एग्जैक्ट मीनिंग लिख लीजिए. इंप्यूडेंट इज इंसल्टिंग somebody who is not respecting, जो सम्मान नहीं दे रहा है. impudent यानी अपमान करने वाला. impudent. insolent somebody who is indisciplined, somebody who is indisciplined, insolent. antonym देखिए, timorous and diffident. timorous यानी भयंकर डरपोक, और diffident यानी confident का उल्टा. ध्यान रखना इसको, ये combination जरूर ध्यान रखना. कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट का उल्टा क्या है भैया? डिफिडेंट. ये जरूर ध्यान रखना. कॉन्फिडेंट इज एन एडजेक्टिव, डिफिडेंट इज एन एडजेक्टिव. दोनों के नाउन बताओ. कॉन्फिडेंस एंड डिफिडेंस. तो अगर वर्बल एनोलॉजी मैंने आपको दे दी, कॉन्फिडेंस इज टू कॉन्फिडेंट, तो अब आप क्रैक कर पाओगे ना. नाउन इज टू एडजेक्टिव. That's the reason we are putting in the pains to understand it from that perspective. Quixotic, शुरू में हमने बात की थी, but एक दो नए अच्छे वर्ड आए इसलिए इसको लेंगे. वर्ड देख लीजिए. Quixotic हमने बात की, something that is extremely impractical, जो इस दुनिया में लागू नहीं हो सकती. Unrealistic, imaginary, chimerical, chimerical, chimerical मतलब सपनों से भरा हुआ. Something which is a chimera, C-H-I-M-E-R-A, chimera is a noun. Chimerical is the adjective. Something which cannot be executed. Utopian. बहुत ही powerful और important word है. कृपया ध्यान से चार शब्द note कर लीजिए. Utopia is the noun.
or utopian is what? बोलो भैया, यूटोपिया नाउन था तो यूटोपियन क्या है? अब यूटोपिया का उल्टा बताओ जल्दी से, डिस्टोपिया। और डिस्टोपिया का नाउन क्या बन जाएगा? डिस्टोपियन। तो यूटोपिया का मतलब होता है लाइक हेवन, यूटोपियन विल बी हेवनली, डिस्टोपिया विल बी लाइक हेल, नर्क के समान, दोजक के समान, एंड डिस्टोपियन हेलिश। समझ गए? ये चार वर्ड ध्यान रखना, यूटोपिया यूटोपियन, डिस्टोपिया डिस्टोपियन। अब इनसे सेंटेंस भी बना लेते हैं। कांग्रेस ब्लेम्स नरेंद्र मोदी फॉर शोइंग अ यूटोपियन विजन टू इंडियंस। तारीफ कर रही है कि बुराई कर रही है? वेरी गुड। नरेंद्र मोदी रिप्लाइज दैट इट इज मच बेटर देन द डिस्टोपिया दे हैड क्रिएटेड। समझ में आया? कन्वर्सेशन समझ में आया? क्या बोला कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी को? यू आर शोइंग यूटोपियन विजन। मतलब क्या? तुम तो ऐसा बोल रहे हो मानो यही स्वर्ग ले आओगे, तुम कैसे करोगे? तो मोदी बोलते हैं इट इज बेटर देन द डिस्टोपिया यू हैव ऑलरेडी क्रिएटेड, कि हम तो कम से कम विजन दिखा रहे हैं, तुमने तो यही नरक बना के रख दिया था। ऐसे यूज होता है ये, दिस इज हाउ इट इज यूज। सही गलत अपनी अपनी सोच, बट दिस इज हाउ इट इज यूज। प्रैग्मेटिक रैशनल, आगे चलिए। इनजेनुअस, शुरू में ही हमने तीनों वर्ड्स की बात कर ली थी। तीनों वर्ड बताइए कौन से थे? तीन वर्ड्स, इंजेनुअस, इंजीनियस, इंडिजिनस। व्हाट डू वी मीन बाय इंजेनुअस? सिंपल। व्हाट डू वी मीन बाय इंजीनियस? वेरी इंटेलिजेंट, टैलेंटेड। एंड व्हाट इज इंडिजिनस? लोकल एंड नेटिव। ठीक है भैया, नोट कर लो बाकी के वर्ड्स। इंजेनुअस, फ्रैंक, नाइव, गलिबल, आर्टलेस, कैंडिड, गाइडलेस। इसमें से कोई भी वर्ड पूछना है तो पूछो, सबका मतलब यही है। समबडी हु इज वेरी सिंपल, हु इज नॉट डिप्लोमैटिक इनफ। डिप्लोमैटिक का मतलब होता है हमेशा यस या नो में जवाब नहीं देने वाला। डिप्लोमैटिक का भी अलग से मीनिंग लिख लो। डिप्लोमेसी इज द आर्ट ऑफ रिप्लाइंग येट नॉट रिप्लाइंग, बिना हाँ या ना बोले जवाब देना, तो वो जवाब एक्चुअली कुछ होता ही नहीं है। दैट इज अ डिप्लोमैटिक रिप्लाई, और वो जरूरी होता है, क्योंकि हर बार हाँ या ना में जवाब देना बिल्कुल जरूरी नहीं है लाइफ में। कई सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि जहां सामने वाला आपको सिर्फ एक्सपेक्ट कर रहा है दैट यू वुड से समथिंग, बट ही इज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट हाँ या ना बोलो, और वो कई बार फूलिश होता है हाँ या ना बोलना, अनलेस इट इज एक्सप्लिसिटली टोल्ड टू यू कि हाँ या ना बोलो, तो कई बार ग्रे शेड्स में से निकल जाना चाहिए। एंटोनिम इंजीनियस, क्राफ्टी, डिप्लोमैटिक। डिप्लोमेसी इज द नाउन, डिप्लोमैटिक इज द एडजेक्टिव। डिप्लोमैट इज द नाउन, डिप्लोमैट वो आदमी, डिप्लोमेसी उसकी वो स्किल, और डिप्लोमैटिक उसकी एटीट्यूड। क्राफ्टी का मतलब होता है चालबाज, क्राफ्टी का मतलब होता है चालबाज। नेगेटिव वर्ड है, आउट एंड आउट, इसको कभी पॉजिटिव सेंस में यूज नहीं करना है। व्हाट अ क्राफ्टी पॉलिटिशियन ही इज। सो वी आर प्रेजिंग द पॉलिटिशियंस और डेप्रिकेटिंग द पॉलिटिशियन? वी आर डेप्रिकेटिंग द पॉलिटिशियन। व्हाट डू वी मीन बाय डेप्रिकेटिंग? पुलिंग डाउन, डेप्रिकेटिंग, पुलिंग डाउन। उल्टा क्या होगा डेप्रिकेटिंग का? एप्रिशिएटिंग। एप्रिशिएट का उल्टा होता है डेप्रिकेट, और पैसे के सेंस में अप्रिशिएट का उल्टा होता है डेप्रिशिएट। दोनों शब्द समझ गए ना? कौन से थे भैया दोनों शब्द? पहला क्या था? डेप्रिकेट, और दूसरा क्या यूज किया था? डेप्री। ये किसके सेंस में यूज करेंगे? पैसे के सेंस में, डेप्रिसिएशन इन द वैल्यू, और डेप्रिकेट यानी किसी की इज्जत को नीचे गिराना, डेप्रिकेट, डेप्रिकेटिंग ह्यूमर। एक तरह का ह्यूमर बहुत अच्छा माना जाता है दुनिया में, एक तरह का मजाक होता है जिसको बहुत अच्छा मानते हैं, सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर, जिसमें आप खुद का मजाक बनाओ, उसे सबसे हाई ग्रेड मजाक माना जाता है, वर्दी ऑफ प्रेज। सेल्फ, दूसरों पे तो कोई भी हंस ले, आप खुद पे हंस के दिखाओ, दैट इज कॉल्ड सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर। ह्यूमर के लिए एक बड़ा अच्छा कोलोकियल वर्ड होता है जो कि सेंस ऑफ ह्यूमर का शॉर्ट फॉर्म है। टेक्निकली गलत है बट ये यूज होता है लिटरेचर में, इट इज कॉल्ड सेंस ऑफ ह्यूमर। सेंस ऑफ ह्यूमर इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ सेंस ऑफ ह्यूमर। तो इफ यू रीड दिस वर्ड एनीवेयर, सेंस ऑफ ह्यूमर, इट्स अ शॉर्टेंड वर्जन ऑफ सेंस ऑफ ह्यूमर, यानी हास्य बोध। कई लोगों में सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा इवॉल्व होता है,
वो हंस सकते हैं खुद पे किसी सिचुएशन में, दैट इज कॉल्ड सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर. आगे चलिए, वेग्रेंट, जिसके पास खुद का घर नहीं है, दैट्स वेग्रेंट. इसका नाउन होगा वेग्रेंसी. ट्रैम्प, रोवर, होमलेस, वेगाबॉन्ड, होबो, बम, दीज आर ऑल वर्ड्स यूज फॉर पीपल हु डोंट हैव अ होम ऑफ देयर ओन एंड परहैप्स दैट्स व्हाई दे हैव टर्न टू लॉलेसनेस. जैसे नॉर्थ अफ्रीका से रोज जहाजों में भर के सैकड़ों अफ्रीकन्स इटली में घुस जाते हैं इल्लीगली, एंड द इटालियंस आर दे डोंट नो व्हाट टू डू. तो नॉर्थ अफ्रीका से इटली में रोज जहाज भर भर के इल्लीगल माइग्रेंट्स, दीज आर ऑल वेग्रेंट्स, एंड द इटालियंस डोंट नो व्हाट टू डू. जितने जहाजों को वो पलटा सकते हैं पलटा देते हैं, फिर भी सब इल्लीगली लैंड करके घुस जाते हैं इटली के अंदर, यूरोप के अंदर. ऐसे सारे लोगों को हम कहेंगे वेग्रेंट. तो इसका एंटोनिम क्या होगा? पहला वर्ड क्या दिख रहा है वेग्रेंट का उल्टा? सेटल. सेटल मतलब जो वहां का स्थायी निवासी है. स्थायी निवासी के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? डी से. वेरी गुड, डोमिसाइल. वेरी गुड. डोमिसाइल मतलब जिसके पास वहां का एक लीगल रहने का परमिट प्रूफ है. एफ्लुएंट, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसको अलग से लिख भी लो. एफ्लुएंट में रूट क्या भैया? फ्लू. फ्लू का क्या मतलब? टू फ्लो. तो एफ्लुएंट का मतलब जिसकी तरफ पैसा फ्लो कर रहा है, ही इज कॉल्ड एफ्लुएंट. मुकेश अंबानी इज द मोस्ट एफ्लुएंट इंडियन. तो भारत में आज वे सबसे अमीर माने जाते हैं, मोस्ट एफ्लुएंट इंडियन. एफ्लुएंट एडजेक्टिव है, इसका नाउन होगा एफ्लुएंस. फ्लू से मिलने वाले कुछ दूसरे वर्ड्स भी लिख लो, आप ही बोल दो एक एक करके. कॉन्फ्लुएंस, दूसरा फ्लुएंट एंड फ्लुएंसी, तीसरा एफ्लुवियम, चौथा यस, वेरी गुड, इन्फ्लुएंस, एब्सोल्युटली राइट. ये देखिए फ्लू से बन रहे, सब में फ्लो है. मेलीफ्लुअस, लता मंगेशकर्स मेलीफ्लुअस वॉइस. आज से 60 साल पहले उन्होंने बहारो मेरा जीवन भी सवारो जो गाया, और आज जो गा रही हैं आवाज सेम. तो कुदरत का करिश्मा, मेलीफ्लुअस वॉइस. तब का गाना सुनिए और आज का, कोई चेंज नहीं, वही टीनेज वॉइस आज तक मेंटेन. दैट इज कॉल्ड मेलीफ्लुअस वॉइस, बहुत मीठी बहती हुई आवाज. ये फ्लू से सारे वर्ड्स हैं. कॉन्फ्लुएंस, एक साथ बहना. फ्लुएंट आपको पता है बहना. एफ्लुवियम, एफ्लुवियम होता है फैक्ट्री से जो डिस्चार्ज निकलता है, गंदी बदबू वाला. इन्फ्लुएंस, किसी के दिमाग के अंदर तक फ्लो करना. मेलीफ्लुअस, मीठी आवाज. और एक फिजिक्स में एक और वर्ड होता है, क्या होता है भैया? फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स. मैग्नेटिक लाइनें बहती है ना, उसको मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं. ये सारे वर्ड फ्लू से आ रहे हैं, इसको ऐसे याद रखना. ग्रास पीटी में हमने ग्रुप की बात की थी, रूट्स की बात की थी, ये उसका लाइव एग्जाम्पल है. तो एक बार मुझे सारे वर्ड्स के मीनिंग बताओ एक एक करके. चलो भैया चालू हो जाओ. पहला कॉन्फ्लुएंस, फ्लोइंग टुगेदर, दैट मींस कॉन्फ्लुएंस का दूसरा सिनोनिम होगा कॉन्फ्रेंस, कॉन्ग्रीगेशन. कॉन्ग्रीगेशन में रूट क्या है? एक तो है कॉन, दूसरा है ग्रेग. ग्रेग मींस क्राउड. कॉन्ग्रीगेट, एक जगह इकट्ठा होना भीड़ का, कॉन्ग्रीगेशन. यानी कॉन्फ्लुएंस, एक जगह बहते बहते लोगों का इकट्ठा होना. आप ये थॉट पैटर्न समझ रहे हो कि नहीं? अगर ये थॉट पैटर्न समझ लिया तो किसी भी वर्ड में फ्लू आएगा तो तुम क्रैक कर ही लोगे. रटना मत, रटोगे तो फंसोगे. इसलिए समझो, शब्दों को तोड़ो. और इसलिए मैं अलग अलग ग्रुप बताते जा रहा हूं कि अच्छा इतने सारे वर्ड सब फ्लू से निकले हैं, इससे कॉन्फिडेंस आता है. दूसरा फ्लुएंट, यू नो फ्लोइंग. एफ्लुवियम, द डिस्चार्ज कैरिंग अ बैड स्मेल. इसलिए एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स. उमा भारती पुनरुत्थान मंत्री बनने के बाद उन्होंने कहा कि हमें एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स लगवाने होंगे. तो एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स क्या होते हैं? जो एफ्लुएम को ट्रीट करते हैं. इन्फ्लुएंस, मेलीफ्लुअस, फ्लक्स. समझ में आ गया? ये चालू हुआ था एफ्लुएंट से. आगे आ जाओ शोविनिस्ट. शोविनिस्ट के दो मीनिंग होते हैं. एक तो है यू आर शोविनिस्ट टूवर्ड्स अ कॉज. फॉर एग्जाम्पल, इफ समबडी सेज ओनली इंडिया इज अ ग्रेट नेशन, एवरीबडी एल्स इज अ फूल, सच अ पर्सन विल बी कॉल्ड अ जिंगोइस्ट एंड अ शोविनिस्ट. दोनों. शोविनिस्ट है ना, ही इज एन एक्सेसिव चैंपियन, और वो ठीक नहीं है. सारी दुनिया गलत और हम सही, ऐसा तो हो नहीं सकता.
दैट इज कॉल्ड शॉविनिज्म. और दूसरा है पार्शल टूवर्ड्स विमेन. उसी तरह पार्शल टूवर्ड्स मेन भी हो सकता है. और ऐसे लोग जो पार्शल टूवर्ड्स मेन हैं, यानी औरतों पे अत्याचार करते हैं, उनके लिए जो इंग्लिश में गाली है वो है MCP, मेल शोविनिस्टिक पिग. दिस इज एन अब्यूज, मेल शोविनिस्टिक पिग. वेन एवर अ वुमन यूजेस दिस, इट मीन्स द वुमन कंसिडर्स इट एक्सट्रीमली रॉन्ग ऑन पार्ट ऑफ द मैन टू हैव शोड द बिहेवियर ही हैज शोन. मेल शोविनिस्टिक पिग, MCP. इसमें शोविनिस्टिक का मतलब है कि वो आदमी औरतों के प्रति बहुत ही दुर्भावना रखता है. दैट इज कॉल्ड मेल शोविनिज्म. उसी तरह फीमेल शोविनिज्म हो सकता है, जो कि फेमिनिज्म में होता है. मेल शोविनिज्म, फीमेल शोविनिज्म. ओके, सो दैट्स शोविनिस्ट. इगैलिटेरियन, आपको पता ही है, एक ऐसा समाज जिसमें सब बराबर हैं. इगैलिटेरियन सोसाइटी, एवरीबडी इज इक्वल, उसी को इगैलिटेरियनिज्म कहते हैं. ठीक है, लेवल हेडेड. एनी क्वेश्चन स्टिल शोविनिज्म? आगे चलते हैं. सिराफिक, कुल्लू मनाली का एग्जाम्पल जो मैंने शुरू में लिया था. इफ यू लैंड इन कुल्लू मनाली फॉर द फर्स्ट टाइम और इन सम ब्यूटिफुल प्लेस इन जम्मू एंड कश्मीर फॉर द फर्स्ट टाइम, you will find the beauty seraphic, which means ecstatically adoring fervent serene, angelic celestial divine. Angelic का मतलब होता है like an angel, celestial का मतलब होता है heavenly, divine derived from God, blissful one that fills you with a spirit of bliss, जो खुशी से भर दे, blissful. ये सारे words seraphic ब्यूटी के कंटेक्स्ट में यूज होते हैं. सेराफिक ब्यूटी, एंजेलिक ब्यूटी, डिवाइन ब्यूटी एक्सेट्रा. इसी से जुड़ा एक वर्ड है जो थोड़ा अलग भी है. जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, जो बहुत सुंदर क्यूट दिखते हैं, वैसे बच्चों के लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है शरब, यानी लिटिल एंजल. शरब, लिटिल एंजल, शरब ये नाउन है. शरब से हम एडजेक्टिव बना सकते हैं. क्या बनेगा भैया शरफ से एडजेक्टिव? शेरुबिक. बहुत पावरफुल वर्ड्स हैं, याद रखना. सो हु इज अ शरफ? अ वेरी ब्यूटिफुल स्मॉल एंजेलिक बेबी, बॉय और गर्ल. एंड वॉट इज शेरुबिक ब्यूटी? द ब्यूटी ऑफ सच अ स्मॉल ब्यूटिफुल बॉय और गर्ल. शरफ, शेरुबिक ब्यूटी. एंटोनिम सेटनिक, सेटनिक पर्टेनिंग टू सेटन, SATAN, Satan, that means pertaining to all the negative forces of the universe, satanic. Devilish, pertaining to the devil. Diabolic, pertaining to the devil. Diabolic yani bilkul khatarnak roop se negative. For example, the present aggressive action by the terrorists who are running the ISIL campaign or the ISIS campaign, Islamic State of Iraq and Levant, yeah, Islamic State of Iraq and Syria, their actions have been termed diabolic by United Nations. Aur ye terrorists itne diabolic hain ki wo bada enjoy kar rahe hain. Aise se videos aaye hain net pe ki wo apni gaadi drive kar raha hai terrorist, pass mein family ja rahi hai dusri gaadi mein. ये AK-47 निकाल के चलती गाड़ी से वो छोटे छोटे बच्चों की फैमिली को खत्म कर देता है और फिर उतर के जाता है और फिर से गोलियां मारता है और फिर देखता है कि सब मर गए कि नहीं. दिस इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ सेटनिक, डेविलिश, डायबोलिकल. दिस इज व्हाट वी मीन बाय दैट. तो ये आइसिल वाला जो एग्जाम्पल है वो उसको सूट करता है. सेडिस्ट, वन हु रियली एंजॉयज फिजिकली टॉर्चरिंग अदर्स और मेंटली टॉर्चरिंग अदर्स. दिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम काउंट सेड. फ्रांस में एक काउंट थे, काउंट का मतलब वहां के नोबल कैटेगरी होती है, काउंट सेड, जो बहुत टॉर्चर करता था लोगों को, वहां से वर्ड आया सेडिस्ट. तो सेडिस्ट का मतलब वो जो दूसरों को तकलीफ दे, और इसका ठीक उल्टा होता है मैसोचिस्ट. हमने कहानियों में पढ़ा है कि जब लोगों को पाप पुण्य के कॉन्सेप्ट की समझ आती थी तो वो कहते थे कि अगर मैं पाप पुण्य के चक्र में इस तरह फंस गया तो मुझे और जाने कितने जन्म लेने पड़ेंगे, तो मैं इस जन्म में खुद के शरीर को पीड़ा दे दे के अपने कर्मों को जला डालूंगा. और इसलिए
वो तो एक्सट्रीम एग्जाम्पल हो गया, लेकिन अगर नागा साधु नहीं भी बने तो पहाड़ों पे या जंगलों में जाके जो भले ही कपड़े पहन रखे हैं, साधना में लीन हो गए, खाना पीना बहुत कम कर दिया, बिल्कुल तड़प तड़प के कम हो गए, दैट इज कॉल्ड मेसोचिज्म, खुद को तकलीफ देना। हालांकि ये पेनेंस है, ये जो मैंने एग्जाम्पल आपको दिया ये तो एक तरह से पेनेंस है, पेनेंस यानी प्रायश्चित, तपस्या है ये, प्रायश्चित है। बट मेसोचिज्म इज वेरी मच लाइक दैट ओनली, दैट इज मेसोचिज्म। पैसिफिक ओशन है, क्यों नाम पड़ा पैसिफिक ओशन पता नहीं, क्योंकि वहां तो बड़े बड़े तूफान उठते हैं, जबकि पैसिफिक का मतलब होता है शांत। पंडित जवाहरलाल नेहरू किस थ्योरी पे वर्क करते थे? पैसिफिज्म। पैसिफिज्म यानी हम भी शांत हैं आप भी शांत रहो, दैट इज पैसिफिज्म। पैसिफिक ओशन यानी शांत महासागर। तो ऑल्दो उसमें सबसे बड़े तूफान उठते हैं, बट दैट इज व्हाट पैसिफिक मींस। सो पैसिफिक से जो नाउन निकला है, क्या नाउन निकला अभी, क्या बताया मैंने? पैसिफिज्म। तो तीन वर्ड हमारे सामने आ गए, तीनों लिख लो एक एक करके भैया। सबसे पहले लिखो पैसिफाई, पार्ट ऑफ स्पीच बताओ जल्दी से, इट्स अ वर्ब, वेरी गुड। पैसिफाई क्या मतलब होता है? पैसिफाई का शांत करना, यही होता है ना मतलब, पैसिफाई यानी वर्ब, शांत करना। पैसिफिक इज द एडजेक्टिव, शांत, क्वाइट। पैसिफिज्म इज द फिलॉसफी ऑफ कीपिंग एवरीबडी क्वाइट एंड ऑल्सो स्टेइंग क्वाइट एंड लिविंग हैप्पीली टूगेदर, लिव एंड लेट लिव, दैट इज पैसिफिज्म। आप वर्ड्स के कनेक्शन देख पा रहे हैं, पैसिफाई, पैसिफिक, पैसिफिज्म, पैसिफिस्ट, द मैन हु बिलीव इन पैसिफिज्म इज अ पैसिफिस्ट। इस तरह से आप इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड्स को एनालाइज किया करें, यू विल बिकम एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट, इस तरह का एनालिसिस कर कर के। आगे चलिए, वॉसिफरस, दैट इज अ स्पीकिंग टाइप। तो वॉसिफरस के आगे टॉकिंग टाइप जरूर लिख लीजिएगा, मतलब बोलने का प्रकार है एक, वॉसिफरस। व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर वॉसिफरस? बहुत ज्यादा और बहुत जोर से बोलने वाले। सिनोनिम्स देखिए, नॉइजी, क्लैमरस, क्लैमरस वर्ड आया है क्लैमर से, क्लैमर का मतलब होता है शोर, शोर से निकला क्लैमर, क्लैमर से निकला क्लैमरस जो कि एडजेक्टिव है। स्ट्राइडेंट, स्ट्राइडेंट जैसे पाकिस्तानी तालिबान, कराची एयरपोर्ट पे हमला किया, मारे गए, सामने वाले भी मारे गए, अगले दिन सुबह आके फिर गोली बरसा के भाग गए, इसको कहते हैं स्ट्राइडेंट। Very strident in their approach. That means very aggressive in their approach. Strident. Synonym: stentorian and obstreperous. Stentorian का मतलब होता है किसी भी कोरस की सबसे ऊंची आवाज। कोरस होता है ना, एक सिंगर होता है उसके पीछे कोरस खड़ा रहता है। सिंगर की आवाज तो जो है सो है, लेकिन जो कोरस में एक वॉइस होती है जो एकदम हाई पिच पे जाती है और एक वॉइस होती है जो बिल्कुल लो पिच पे चली जाती है गाने के बीच, दोनों वॉइसेस जरूरी है ड्रामा या ड्रामेटिक इफेक्ट क्रिएट करने के लिए। तो बताइए, हाईएस्ट वॉइस इन अ कोरस को क्या कहते हैं? लिखा है ना सामने, स्टेंटोरियन। लोएस्ट वॉइस को क्या कहते हैं? हाईएस्ट स्टेंटोरियन। लोएस्ट को क्या कहेंगे? व्हाट इज द लोएस्ट वॉइस कॉल्ड इन अ कोरस? स्टेंटोरियन का ठीक उल्टा। हाँ जी, उसके लिए वर्ड है डुलसेट। सो स्टेंटोरियन एंड डुलसेट, स्टेंटोरियन इज द हाईएस्ट वॉइस इन अ कोरस, डुलसेट इज द लोएस्ट वॉइस इन अ कोरस। तो इस पे बहुत अच्छा वर्बल एनालॉजी का क्वेश्चन या एंटोनिम का क्वेश्चन बन सकता है, स्टेंटोरियन एंड डुलसेट। ऑब्स्टेपरस, बहुत ज्यादा झगड़ा वगैरह करने वाला, और एंटोनिम क्वाइसेंट मींस फुल ऑफ क्वाइट्यूड यानी शांति से भरा, दैट्स हाउ यू यूज द वर्ड वॉसिफरस। यस, विच वन? पॉम्पस इज फुल ऑफ पॉम्प एंड शो, इट इज नॉट अ टॉकिंग टाइप, इट इज अ लिविंग टाइप। पॉम्पस मैरिज ऑफ अ पॉलिटिशियन सन, मतलब क्या, किस तरह की मैरिज? दिखावा से भरी, 10 करोड़ रुपए खर्च कर दिए शादी पे, दिखावे से परिपूर्ण, ऐसी शादी को कहेंगे गॉडी, ऐसी शादी को कहेंगे शोई, ऐसी शादी को कहेंगे फ्लेमबॉयंट, ऐसी शादी को कहेंगे कलरफुल, ऐसी शादी को कहेंगे पॉम्पस, यानी पॉम्प एंड शो, दिखावा, फालतू का दिखावा,
ओके, सो दैट्स अ लिविंग लाइफस्टाइल। हम बात किसकी कर रहे हैं, वॉसिफरस क्या है, टॉकिंग टाइम, ध्यान रखना। साइकोफंट पे आ जाओ, साइकोफंट इज द एडजेक्टिव एंड द नाउन इज साइकोफंसी। साइकोफंसी, साइकोफंसी है ना वो आदत। साइकोफंट का मतलब होता है चमचा। साइकोफंट इज वन हु इज अ कंप्लीट बूट लिकर। बहुत अच्छे वर्ड दे रखे हैं, देखिए, फ्लैटरिंग यानी तारीफ 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 तारीफ, फॉनिंग आगे पीछे हाँ जी हाँ जी हाँ जी, दैट इज फॉनिंग। बहुत टिपिकल मीनिंग्स हैं इनके। सिनोनिम सर्वाइल, नौकरों के जैसा बिहेव करना। एंड फाइनली इन सब का उस्ताद ऑब्सिक्वस। ऑब्सिक्वस मीन्स एक्सेसिवली सर्वाइल, अत्यधिक रूप से नौकरों जैसा, दैट इज ऑब्सिक्वस। पार्डन, केजोल इज डिफरेंट। केजोल का मतलब होता है किसी को मनाना। द मदर वॉज सीन केजोलिंग द चाइल्ड हु वॉज एंग्री ऑन नॉट बींग गिवन द चॉकलेट, दैट इज केजोलिंग। समझ गए, उसको केजोलिंग कहते हैं। यहां हम बात एक बहुत अलग सेंस में कर रहे हैं। मान लो कोई एक नेता है और एक छोटा नेता है। छोटा नेता बड़े नेता के साथ ये करेगा क्योंकि उसको फेवर चाहिए। उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, द छोटा नेता इज ट्राइंग टू इनग्रेशिएट द बड़ा नेता। दिस इज व्हाट वी यूज द वर्ड इनग्रेशिएट। समझ गए, इनग्रेशिएटिंग का क्या मतलब, किसी तरह बड़े नेता को पटा के अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेना, इनग्रेशिएटिंग। तो सेंटेंस बनेगा द साइकोफंट, ये सेंटेंस बना लेना, बड़ा काम का सेंटेंस है, वॉज ट्राइंग टू इनग्रेशिएट द बॉस। ठीक है ना, क्या मतलब है इस सेंटेंस का, द साइकोफंट वॉज ट्राइंग टू इनग्रेशिएट द बॉस। बोलो यार, व्हाट वॉज द साइकोफंट ट्राइंग टू डू, टू गेट फेवर्स। ही वॉज ट्राइंग टू गेट फेवर्स। हाउ वॉज ही ट्राइंग टू गेट फेवर्स, बाय बूटलिकिंग, बाय बीइंग साइकोफंट। और उस प्रोसेस के तहत उसने क्या क्या किया होगा, स्क्रीन पे देख लीजिए, फ्लैटरी की होगी, फॉनिंग की होगी, सर्वाइल बिहेवियर दिखाया होगा, ऑब्सिक्वसनेस दिखाई होगी। ऑब्सिक्वस एडजेक्टिव है, इसके नाउन में नेस लगता है, तो वह वर्ड बड़ा लंबा हो जाता है, ऑब्सिक्वसनेस। एक बार आप सब एक साथ ये वर्ड जोर से बोल दीजिए, यस प्लीज। तो ये जो लंबे वर्ड होते हैं ना, इनको बोल बोल के प्रैक्टिस किया करो, ऑब्सिक्वसनेस, नहीं तो अटक जाओगे बोलने में और फिर उसमें दिखता है कि आपने प्रैक्टिस नहीं किए। बट अगर बोल लोगे तो उसका बड़ा अच्छा एंटोनिम, डोमिनियरिंग, ओवरबियरिंग, डोमिनेंट एक्सेट्रा, मतलब जो बहुत ही प्रभावशाली। एनी क्वेश्चन सो फार। आगे कॉलेरिक। कॉलेरिक नॉर्मली हम यूज करते हैं टेम्परामेंट के लिए, यानी स्वभाव के लिए। द एम्प्लॉइज वर स्केयर्ड ऑफ द कॉलेरिक टेम्परामेंट ऑफ द बॉस। क्या मतलब, एम्प्लॉइज वर स्केयर्ड ऑफ व्हाट, दे वर स्केयर्ड ऑफ द कॉलेरिक टेम्परामेंट ऑफ द बॉस। एम्प्लॉइज वर स्केयर्ड ऑफ व्हाट, बोलिए, बॉस के किस चीज से बहुत डरते थे, उनके स्वभाव से। टेम्परामेंट क्या होता है, स्वभाव, टेम्परामेंट, टेम्पर से निकला ना टेम्परामेंट। तो कोलेरिक टेम्परामेंट यानी कैसा टेम्परामेंट होगा, यस प्लीज, वेरी गुड। कोलेरिक टेम्परामेंट यानी किस चीज पे भड़क जाए पता नहीं, कोलेरिक। सिनोनिम देख लो ना, इरिटेबल। इरिटेबल लोग कौन होते हैं, Those who get easily irritated, annoyed, splenetic, irascible, irate. Irate crowd के लिए use होता है हमेशा। ये जो word दिख रहा है irate, it is always used for crowd. The police were forced to lathi charge the irate crowd. मतलब भीड़ भयानक रूप से नाराज थी, पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ गया। ऐसी irate crowd के लिए एक और word होता है, और वो word होता है, क्या होता है, रेस्टिव। वॉट डू वी मीन बाय रेस्टिव, ट्रेमेंडसली इम्पेशेंट, भयानक गुस्से से भरी, रेस्टिव। समझ गए, रेस्टिव इज आयरेट, इट इज नॉट रेस्टफुल, इट इज रेस्टिव यानी रेस्टलेस। ये हो गए कोलेरिक। इसके एंटोनिम देखिए, प्लेसिड, वेरी कूल एंड काम, प्लेसिड। प्लेकेट पे से प्लेसिड निकला है ना। इम्परटर्बेबल, इतना बड़ा वर्ड उसको तोड़ देते हैं, पहले इम को अलग कर दो। याद रखना प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस, याद है ना, इम्परटर्बेबल को तोड़ो, यही रूल लगा रहा हूं, इम अलग कर दे भैया, क्या बच गया, परटर्बेबल। अब उसमें काम करो, एंड का सफिक्स एबल भी तोड़ दो अलग, क्या बच गया,
परटर्ब। परटर्ब का मतलब होता है डिस्टर्ब। तो कौन आदमी परटर्बेबल होगा? जिसको डिस्टर्ब किया जा सके। तो कौन आदमी इम्परटर्बेबल होगा? तो आप जरा ये तीनों लिख लो ऐसे, इम फिर जगह छोड़ो परटर्ब, फिर जगह छोड़ो एबल, ऐसे तोड़ो शब्दों को। इम इज द प्रीफिक्स, एबल इज द सफिक्स, परटर्ब इज द बेसिक वर्ड। तो ये बड़ा मजेदार वर्ड है जिसमें प्रीफिक्स भी घुसा हुआ है, सफिक्स भी घुसा हुआ है, और एक साथ वो वर्ड के मीनिंग को पहले उल्टा करता है फिर उल्टा करता है। इम परटर्बेबल, परटर्ब डिस्टर्ब, परटर्बेबल डिस्टर्बेबल, इम्परटर्बेबल नॉट डिस्टर्बेबल। ये अप्रोच समझ में आ रही है ना, कैसे शब्दों को पकड़ पकड़ के तोड़ना है और सारे शब्द टूटते हैं, उसको लॉजिकली करना बस। एपोस्टेट अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था, एपोस्टेट कौन होता है, क्या छोड़ के भागता है? ये अपना धर्म छोड़ के भागता है। धर्म से हमारा मतलब है विश्वास, केवल रिलीजन जरूरी नहीं है। एन एपोस्टेट इज अ डेजर्टर, सेना छोड़ के भागा वो भी एपोस्टेट है। टर्न कोट, अपना पाला बदल लिया। कई लोगों ने कहा रामविलास पासवान जी इज अ टर्न कोट, कहा कि नहीं उनके लिए पाला एकदम से बदला ना बीजेपी के फेवर में, तो रामविलास पासवान जी को कई लोगों ने डेजर्टर, टर्न कोट, रेनेगेड, डिसलॉयल इन उपाधियों से नवाजा। उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो मंत्री पद का पूरा मजा लेने में लग गए। दिस इज कॉल्ड एपोस्टेट। एंटोनिम इज लॉयल, एलिजिएंट। ऑफ कोर्स आपने अपना जो मत था उस मत को नहीं छोड़ा, है आप एलिजिएंट हैं। एलिजिएंट का नाउन होता है एलिजिएंस, यानी अपना समर्थन, एलिजिएंस। आई बेयर एलिजिएंस टू दिस कोट ऑफ आर्म्स, यानी मैं इस विश्वास के प्रति पूरी तरह से अपना मत व्यक्त करता हूं, एलिजिएंस। एनी क्वेश्चन स्टिल एलिजिएंट? कोई भी सवाल किसी भी वर्ड से जुड़ा, मैं जितने पॉसिबल हो सकता है एंगल्स आपको देते जा रहा हूं, आप लिस्ट भी बनाते जा रहे हैं कहीं भी कोई, और ये सारे वर्ड्स वो हैं जो एग्जामिनर्स फेवरेट हैं। फटाफट आगे चलिए, नोविस, ये तो हम पहले देख चुके हैं। नोविस कौन होते हैं भाई, एक्सपीरियंस होते हैं कि नहीं होते हैं? नोविस जो बिल्कुल अभी नया नया सिस्टम में आया है, इसका प्रोनंसिएशन ध्यान रखना, नोवाइस नहीं है, इट इज नोविस। क्या प्रोनंसिएशन है? नोविस। और याद नहीं रह सकता है तो साइड में ब्रैकेट में हिंदी में लिख के रख लो, हिंदी में प्रोनंसिएशन जैसा लिखोगे वैसा ही पढ़ोगे। इंग्लिश में प्रोनंसिएशन याद रखना बहुत ट्रिकी हो जाता है सिंबल्स की मदद से, ऑल्दो इफ यू आर कंफर्टेबल विद इट डू इट। बिगनर, टायरो, न्यू ब्रूम, ग्रीन, नियोफाइट, फ्लेजलिंग, ये सारे वर्ड्स हैं, दे ऑल मीन समबडी हु इज कंप्लीटली इनएक्सपीरियंस्ड। यस प्लीज, वेरी गुड, आर ओ ओ के आई ई, रुकी। रुकी इज द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ एक्सपर्ट। व्हेन नरेंद्र मोदी एंटर्ड पार्लियामेंट द फर्स्ट डे ही वॉज अ रुकी, but very soon he turned a virtuoso, he turned into a virtuoso। मतलब पहले दिन जब वो पार्लियामेंट में गए उन्होंने तो कभी पार्लियामेंट ही नहीं देखी थी, तो ही वॉज अ रुकी। एक महीने में लेकिन लोग कहने लगे कि अरे भाई बिहेविंग लाइक एन एक्सपर्ट, ऐसा लगता है सालों से यहाँ पे हैं। दैट इज हाउ यू यूज इट बेसिकली। हाँ जी, इसमें वेटरन, वेटरन का क्या मतलब होता है? कॉलेज के फोर्थ ईयर में जो आ जाते हैं वो क्या बन जाते हैं? वेटरन्स। कॉलेज के सेकेंड ईयर में जो आ जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सोफोमोर्स। और फर्स्ट ईयर में जो रहते हैं उनको क्या कहते हैं? फ्रेशर्स। फ्रेशर्स, सोफोमोर्स, वेटरन्स। तो फर्स्ट ईयर में आप फ्रेशर हैं, कॉलेज के सेकेंड ईयर में सोफोमोर्स, एस ओ पी एच ओ एम ओ आर ई, और फाइनल ईयर में आते आते वेटरन। फ्रेशर, सोफोमोर, वेटरन, ये तीनों याद रखना। वर्चुअल, आज इस पर बहुत बात हो चुकी, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। डेवलर का मतलब है जो बस कोशिश करता है लेकिन कुछ एक्सपर्टीज डेवलप नहीं करता, ही इज जस्ट अ डेवलर। डेवलर का मतलब उसने सोशल मीडिया सीखना शुरू किया, 50 घंटे का कोर्स था, एक घंटे आया, फिर 10 घंटे गायब हो गया, फिर 3 घंटे आया, फिर 4 घंटे गायब, फिर ही इज अ डेवलर। डेवलर के लिए दूसरा बड़ा खूबसूरत शब्द आपके सामने वहां लिखा हुआ है, क्या लिखा है भैया? दिलेतों। दिलेतों, अगर मैं इसको ऐसा प्रोनाउंस कर रहा हूं तो ये किस देश से आया है? इट इज अ फ्रेंच वर्ड, दिलेतों। इसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी में लिख लीजिए, दिलेतों। वेरी पावरफुल वर्ड, दिलेतों। दिलेतों का मतलब है वन हु इज अ डेवलर, जो कभी भी एक्सपर्ट के जैसे परसिस्टेंट नहीं रहा। दिलेतों से एक और वर्ड निकलेगा, दिलेतोतिश। दिलेतों, दिलेतोतिश, टी आई एस एच कर दो उसको, दिलेतोतिश।
दिले तौतिश एटीट्यूड ऑफ द एयरफोर्स आफ्टर द क्रैश ऑफ द मिग, या मिग तो छोड़ो, हरक्यूलिस गिर गया था ना, इंडियन एयरफोर्स का हरक्यूलिस गिरा था कि नहीं? पता है क्यों गिरा था? बहुत लो हाइट पे उड़ रहा था और वो उसको ऊपर ले जा पाते उतना ट्रैक्शन ही डेवलप नहीं हो पाए, लिफ्ट ही डेवलप नहीं हो पाई, और वो तो जाइगेंटिक प्लेन, दुनिया का सबसे बड़ा, धड़ाम से नीचे आ गया। इट वॉज अ क्लियर कट ह्यूमन एरर, साफ साफ एयरफोर्स ने स्वीकार भी किया है। 1200 करोड़ का प्लेन पूरा का पूरा नीचे आ गया। ऑल दो वो लो फ्लाइट पर जा सकता है, पर उसके लिए उसको वो निश्चित स्पीड चाहिए। वो स्पीड लेता उसके पहले ही उसको उन्होंने स्टेबल करने की कोशिश की। धड़ाम से पूरा हरक्यूलिस नीचे आ गया चंबल की नदी की घाटी में, सूखी हुई, खत्म। 1200 करोड़ पानी में, स्वाहा, पानी भी नहीं था नदी में तो, पॉलीग्लॉट। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द एयरमैन हू वर किल्ड, मे देयर सोल्स रेस्ट इन पीस, अल्टीमेटली इट वॉज द पीपल्स मनी। पॉलीग्लॉट, पॉली मीन्स सेवरल एंड ग्लॉट मीन्स लैंग्वेज। तो वी हैड प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव हु कुड स्पीक मेनी लैंग्वेजेस इजीली। अलग अलग दावे हैं, कोई 7 बोलता है, कोई 10, कोई 14, किसी को पक्का पता नहीं है, तो हम 7 तो मान ही लें। ही वॉज अ पॉलीग्लॉट, वेरी गुड। ही वॉज अ लिंग्विस्ट बेसिकली, फिलोलॉजिस्ट, फिल यानी लव, लोगोस यानी स्टडी, फिलोलॉजिस्ट। एसेटिक, बड़ा पावरफुल वर्ड है। एसेटिक के लिए पूरे हिंदू पैंथियन ऑफ गॉड में जो एक गॉड बिल्कुल क्वालिफाई करेंगे वो हैं शिव। लॉर्ड शिव लीड्स एन एसेटिक लाइफ। व्हाट डू वी मीन बाय दैट? What kind of a life does Lord Shiva lead? Penance. Lord, no, not penance. Lord Shiva doesn't need to do penance. Lord Shiva leads a life without any material comfort. Shiv, जो जीवन जीते हैं उसमें कोई भी भौतिक सुख सुविधा नहीं है, ये उनकी लाइफ स्टाइल है। ऐसी लाइफ स्टाइल को हम कहते हैं ascetic. समझ गए? Ascetic. Austere. Austere यानी मटीरियल लग्जरी से दूर। सेल्फ एबनेगेटिंग, सेल्फ एबनेगेटिंग यानी खुद को भौतिकता से दूर रखना जबरदस्ती, यानी डिनाइंग कि नहीं मैं आइसक्रीम नहीं खाऊंगा, नहीं मैं चॉकलेट नहीं खाऊंगा, कितना मुश्किल काम है देखो, नहीं मैं हॉटडॉग नहीं खाऊंगा। अगर कोई आदमी बड़ा जेंटली खुद को कन्विंस कर रहा है कि मैं तो नॉर्मल घर का ही खाना खाऊंगा, बाकी ये सब बंद, अगले 10 साल तक कुछ नहीं, ही इज अ ट्रू एसेटिक। ही हैज ऑलरेडी रीच्ड गॉड बिकॉज ही हैज कॉन्कर्ड हिज माइंड, विच इज द बिगेस्ट बैटल वी फाइट, एंड ऑल द लाइफ वी कीप थिंकिंग वी हैव टू फाइट एक्सटर्नल बैटल्स, वेयर एज द बिगेस्ट बैटल इज विथ अस, अ बैटल दैट वी डोंट इवन रियलाइज वी हैव टू फाइट, फॉरगेट अबाउट फाइटिंग इट। हर्मिटिक, हर्मिट का मतलब होता है गुफा में रहने वाला साधु, हर्मिट, हर्मिटिक एडजेक्टिव, तो हर्मिट यानी वो साधु, हर्मिटिक गुफा में रहने वाला, वो पूरी लाइफस्टाइल जो होती है हर्मिटिक लाइफस्टाइल। एनी क्वेश्चन स्टिल हर्मिटिक? यस, पार्डन, हाँ। अलूफ का मतलब होता है अलग थलग रहना, लेकिन आप अलग थलग भी करोड़पति जैसे रह सकते हो अगर पैसा है तो आप एसेटिक नहीं होंगे, समझ गए? अलूफ इज अ पोजिशन, इट इज नॉट अ स्टाइल, अलूफ इज अ पोजिशन। दुनिया यहां मैं अलूफ हूं, लेकिन अगर मैं बहुत बड़े बंगले में अलूफ हूं तो मैं एसेटिक कहां से हुआ? आई होप इट इज क्लियर। यस, ब्लाजे, बी एल ए एस ई, इट इज नॉट ब्लाज, इट इज ब्लाजे। एंड यस, वेरी गुड वर्ड, स्पार्टन, ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एंशियंट सिटी ऑफ स्पार्टा। Absolutely right. Ascetic is Spartan. Absolutely right. Abstinent. Very good. Abstinent and abstinence. Abstinent यानी दूर रहना. Abstinence. हिंदू धर्म में जो व्रत वगैरह जो रखे जाते हैं उनके पीछे का लॉजिक क्या है? कुछ तो टेक्निकल साइंटिफिक लॉजिक होता है शरीर को साफ करना, और दूसरा होता है दिमाग को ट्रेन करना। रमजान के रोजों के पीछे भी यही सिद्धांत है, दिमाग और शरीर को पूरी तरह से डिसिप्लिन में लाना, इसको कहते हैं एब्स्टिनेंस। तो हजारों सालों में हमारे पूर्वजों ने यह चीज सीखी कि अपने शरीर और दिमाग को एक लय में कैसे लाना, उसके लिए उन्होंने ये सब व्रत रखे, ये सब रखे, ताकि हम ये सीख सकें कि डिसिप्लिन क्या होता है। दिस इज व्हाट वी मीन बाय एब्स्टिनेंस। अब मॉडर्न लाइफ में मुश्किल है क्योंकि हमको कॉन्स्टेंटली कंज्यूम करने की आदत पड़ गई है, इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं, लग्जरी कंज्यूम कर रहे हैं, लाइफस्टाइल कंज्यूम कर रहे हैं, नॉलेज कंज्यूम कर रहे हैं,
और फूड कंज्यूम कर रहे हैं। केवल फूड नहीं होता है कंजम्पशन, ध्यान रखना। मैंने चार चीज़ें और गिनाई थी अभी, क्या क्या गिनाई थी? नॉलेज, इंफॉर्मेशन, लाइफस्टाइल, लग्जरी। तो हमारी पूरी सिस्टम में अगर कंजम्पशन नहीं हो, तड़पने लगता है आदमी। अगर वो बैठे बैठे स्मार्टफोन पे कुछ करता नहीं रहे तो उसको लगता हो रहा है मैं तो ज़िंदगी बेकार हो गई, जबकि 10 साल पहले तो स्मार्टफोन्स होते ही नहीं थे। ये हम बन चुके हैं कंज्यूम 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 कंज्यूम, पता नहीं हम जा कहाँ रहे हैं। इसलिए रात को हमेशा फ़ोन बंद करके ही सोना चाहिए। सुबह उठ के ये एहसास होना कि 8, 9, 10 जितना भी आप सोते हैं, मैं बोलने के पहले वही सोचता था क्या बोलूँ, 6 बोलूँगा तो कई लोग बहुत बुरा मान जाएंगे, वो कल से हो सकता है क्लास में आना ही बंद कर दें, 6 घंटे कुछ होता है क्या 6 घंटे? तो जो 6, 6.5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 घंटे फ़ोन बंद रहा आपका, आपको ये कॉन्फिडेंस आएगा कि ये बंद रहा फिर भी मैं जिंदा हूँ, मैं मरा नहीं। ये कॉन्फिडेंस ही आना बहुत बड़ी चीज़ है आज की दुनिया में, कि मेरा फ़ोन अगर बंद रहेगा तो मैं फिर भी जिंदा बच जाऊँगा। कॉन्फिडेंस ही नहीं है। रात को 1, 1.5, 2 बजे नींद खुली पानी पीने के लिए तो पहले आदमी मोबाइल देखता है, कोई SMS आया क्या, क्या मेला है? अरे कुछ नहीं होगा, बंद करके सो जा, शांति से सो जा, कुछ भी नहीं होने वाला है अनलेस कोई इमरजेंसी सिचुएशन है। ये कंजम्पशन है, इसको कहते हैं कंजम्पशन, उपभोग। और हम ऐसे फंस गए उसमें, कोई संभावना ही नहीं बाहर आने की। अगर उससे बाहर आना है तो हमको ये समझना पड़ेगा कि एसेटिक लाइफस्टाइल क्या होती है। तो आप बोलेंगे कि भाई नॉर्मल लाइफ जीते जीते एसेटिक कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, गीता का पाठ ही यही है। पूरी तरह से काम में इन्वॉल्व रहो और उसके फल से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड हो जाओ, तुम एसेटिक बन जाओगे। यू विल बी अ मटीरियलिस्टिक एसेटिक। तो आप बोलेंगे दोनों एक साथ कैसे? बिल्कुल पॉसिबल है। काम से दूर मत भागो, आपको मेहनत करनी है करो, नौकरी करनी है करो, पैसा कमाना है कमाओ, लेकिन फल से खुद को डिस्कनेक्ट कर लो कि फल मेरे हाथ में नहीं है, मैं मेहनत पूरी करूंगा, ईमानदारी से करूंगा, सब कुछ करूंगा, अब जो रिजल्ट आए मुझे स्वीकार है। ये डिस्कनेक्शन जो है ये आपको एसेटिक बना देगा। प्रॉब्लम आती है कि हमने फल से ऐसा भयानक जोड़ लिया है खुद को कि हम फल की ओनरशिप ले रहे हैं, फल हमारे हाथ में नहीं। और ये तो फैक्ट है, क्योंकि ये बुद्धिज्म भी यही कहता है कि बुद्धिज्म की तो थ्योरी बिल्कुल अलग है कि हर सेकंड टू सेकंड ही डिस्कनेक्टेड है, तो तुम तो कॉज और इफेक्ट की भी बात मत करो। इसीलिए बुद्धिज्म हिंदुइज्म से अलग हो गया कि ये तुम पाप पुण्य की बात कर रहे हो, तुम उल्लू बना रहे हो, क्योंकि कर्मों के फल कैसे होंगे, फल जब हाथ में ही नहीं है। तो ये बुद्धिज्म ने कहा, हिंदुइज्म कहता है यहां से वहां कनेक्टेड है, तो आप उस कनेक्शन से अलग हो जाओ। फल आ रहा है तो आएगा, नहीं आ रहा है तो नहीं आएगा, तो आप एसेटिक बन जाओगे। अब ये कहना बहुत आसान है और करना बहुत मुश्किल है। वेरी गुड। तो सर फिर टारगेट नहीं होगा तो हम काम ही कैसे करेंगे? बिल्कुल सही बोला आपने, टारगेट में कोई बुराई नहीं है। आपने एमबी एंट्रेंस की क्लास ज्वाइन की, आपको आईएम तक पहुंचना है, ये बात बार 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 मत सोचो। एक बार सोच लिया वहां तक जाना है, उसका रास्ता ये है, अब बस रास्ते पे ध्यान रखो। ये है मतलब, वहां पहुंचेंगे या नहीं वो तो तय है, वो होना है तो होगा, आप तो मेहनत तो करो, और नहीं पहुंचे तो रोना नहीं। हाँ, अपनी किस्मत में यही लिखा था। अब इसका उल्टा भी हो सकता है, यू में से दिस इज अ वेरी फेटलिस्टिक अप्रोच, ऐसे थोड़ी लाइफ जी जाएगी। फिर जब हम फेटलिस्टिक नहीं रहते हैं तो प्रॉब्लम क्या होता है, वी गेट मैरिड टू द आउटकम, और हम ऐसे भयानक मैरिड में फंस जाते हैं आउटकम्स के साथ कि सारे दुखों की जड़ी वो है। 1000 ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, वो गजल इसीलिए गाई गई है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां मगर फिर भी कम निकले, क्योंकि अरमानों का अंत ही नहीं हो रहा है पागलों जैसे, उसको कहीं तो रोकना पड़ेगा। बट अभी मॉडर्न लाइफ में तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन एसेटिक लोग ये कहते हैं कि आप गोल से दूर रहो, काम पूरा करो। कोई नहीं बोल रहा है कि तुम काम में मक्कारी करो, वो तो चोरी है। तुमको सैलरी मिलनी है, तुमको आउटपुट देना है। अब टारगेट अचीव हुआ या नहीं तुम्हारी मेहनत के बाद, दैट इज डिवाइन, दैट इज नॉट ह्यूमन। ये एक अप्रोच है, आपको ठीक भी लग सकती है, गलत भी लग सकती है। एंटोनिम प्रोडिगल एंड लग्जूरियस, लग्जूरियस एंड लग्जूरियंट, दो वर्ड लिख लो, दोनों का मीनिंग अलग है। लग्जूरियस फुल ऑफ लग्जरी एंड लग्जूरियंट एक्सेसिव ग्रोथ, द लग्जूरियंट ग्रोथ ऑफ ग्रास। उस मैदान में 10 सालों से घास की कटाई नहीं हुई तो घास की ग्रोथ किस प्रकार की हो जाएगी? लग्जूरियंट।
और लग्जूरियस तो लाइफस्टाइल है, बड़ा भारी घर, बड़ी कारें, ये वो, दिस इज लग्जूरियस। लग्जूरियंट का मतलब जैसे घास उग गई क्योंकि कटाई नहीं हुई, दैट इज लग्जूरियंट। ग्लिब टॉकिंग टाइप, अभी थोड़ी देर पहले टॉकिंग टाइप देखा था, कौन सा था? वॉसिफरस। ग्लिब आ गया अगला। ग्लिब का मतलब है चिकनी चुपड़ी बातें करके बातों में गोल गोल उलझाना, दैट इज कॉल्ड ग्लिब। इट्स अ नेगेटिव वर्ड। ग्लिब इज टू टॉक इन एन एक्सट्रीमली ल्यूब्रिकेटेड मैनर सो एज टू कोऑप्ट द अदर पर्सन इनटू बिलीविंग व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग हिम टू बिलीव। फ्लुएंट, स्लिक, वॉल्यूबल, फेसाइल, फ्लिपेंट। फेसाइल फ्लिपेंट तो बिल्कुल ही नेगेटिव वर्ड्स हैं, फुल ऑफ अ लॉट ऑफ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, फुल ऑफ धोखा एक्सेट्रा। वॉल्यूबल का मतलब होता है बहुत ज्यादा तड़ 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 बोलने वाला, बिल्कुल कंटिन्यूस बोलते जाने वाला, वॉल्यूबल। एंटोनिम ग्रेव, ग्रेव मतलब सीरियस, उस सेंस में यूज हुआ है, मतलब जो बहुत ही मेजर्ड बोल रहा है, लिमिटेड बोल रहा है, ग्रेव। जैसे प्रधानमंत्री बनने के बाद सबको लगा था नरेंद्र मोदी रोड डंका पीटने आएंगे, उल्टा हो गया, वो तो बोलते ही नहीं है कुछ अब, उनके एक्शंस बोल रहे हैं। दैट मीन्स हिज एटीट्यूड हैज टर्न्ड एक्सट्रीमली ग्रेव नाउ, बहुत लिमिटेड बोलते हैं, और यही बिल्कुल सही तरीका है भारत जैसे देश को चलाने का, चुपचाप करते रहो जो करना है। इकोनॉमी के कड़े डिसीजंस लेने, एक बार वार्निंग दे दी गोवा में, कड़े डिसीजंस लेने फिर डिसीजंस लीजिए, दिस इज कॉल्ड अ ग्रेव एटीट्यूड एंड नॉट अ वॉल्यूबल एटीट्यूड। समझ गए? प्री डिस्पोज यानी पहले से मन बना हुआ है कि ऐसा करना है। आगे चलिए फटाफट। टॉकिंग टाइप अगला रेटिसेंट, चुप रहने वाला हमेशा, रिजर्व्ड इन स्पीच, इतना कम बोलने वाला कि ऑलमोस्ट हम उसे कभी बोलते हुए सुने ही नहीं, रेटिसेंट। साइलेंट, टैसिटर्न, इनके मैं मीनिंग अलग अलग लिखवाऊंगा, पहले आप रेटिसेंट, रिजर्व इन स्पीच, साइलेंट तक लिख लो। टैसिटर्न मींस एक्सट्रीमली रिजर्व्ड, ऑलमोस्ट परमानेंटली साइलेंट, दैट इज टैसिटर्न। टैसिटर्न का रूट कुछ समझ में आ रहा है क्या होना चाहिए? टैसिट। टैसिट का क्या मतलब होता है अलग से लिखो। देखिए, सपोज आपके फादर की इनकम है 10,000 rupees पर मंथ, और आपने जाके पिताजी से बोला कि मुझे ये 60,000 rupees की मोटरसाइकिल खरीदनी है, और फादर ने आपकी तरफ देख के आंखों आंखों में आपको समझाया कि ये अभी संभव नहीं है, और आपने आंखों आंखों में समझा, उस अंडरस्टैंडिंग को हम कहेंगे टैसिट। समझ में आया टैसिट का मतलब? Understood without speaking, tacit. Understood in silence, that is tacit. Pardon? Part of communication. Yes, tacit understanding, body language. Absolutely right. कहते ना आंखों के इशारों से समझना और समझाना, that is tacit. Tacit understanding. Absolutely right. तो ये बड़ा अच्छा हो गया. Laconic. Laconic, एक example के साथ समझाऊंगा. लेकोनिक का मतलब होता है इंटेलिजेंटली टैसिटर्न। तो क्या होता है भैया इंटेलिजेंटली टैसिटर्न? सपोज ऐसा हुआ था हिस्ट्री में, एक गांव को घेर लिया गया हमलावरों द्वारा, और हमलावरों ने अंदर एक मैसेंजर भेजा, इफ यू डोंट सरेंडर वी विल बर्न यू डाउन टू एशेस। वहां से रिप्लाई आया, वर्ड रिप्लाई इफ, कि तुम तो ये मान के चल रहे हो ना ऐसा होगा, इफ तुम्हारे मानने से क्या होता है, हमें पता है हम किस लायक हैं। दिस इज कॉल्ड अ लेकोनिक रिप्लाई। एंटोनिम गैरुलस, लोकेशियस। गैरुलस बहुत ज्यादा बोलने वाला, लोकेशियस अच्छे से बोलने वाला, लोक्वेसिटी, गैरुलसनेस। एफिशियोनाडो, मैंने शुरू में ही बताया था किस कंटेक्स्ट में यूज करते हैं, स्पोर्ट्स के रूप में यूज होता है ना, स्पोर्ट्स एफिशियोनाडो। तो सारे फैन, बफ, फैनेटिक, ये सारे एफिशियोनाडोज हैं, क्रिकेट फैनेटिक, सॉकर फैनेटिक, रग्बी फैनेटिक, एक्सेट्रा, ठीक है। एंटोनिम, एंटोनिम क्या होगा? इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का क्या मतलब? मुझे कोई मतलब ही नहीं है क्या है, अनइंटरेस्टेड। अब यहां से दो इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, पहले पढ़ा है फिर से पढ़ेंगे, ध्यान से देख लीजिए। अनइंटरेस्टेड वर्सेस डिसइंटरेस्टेड,
है ना, इंपॉर्टेंट वर्ड्स, अनइंटरेस्टेड एंड डिसइंटरेस्टेड, क्या डिफरेंस है भैया? एनीवन? सुप्रीम कोर्ट का जज कैसा होना चाहिए? अनइंटरेस्टेड इन द केस और डिसइंटरेस्टेड इन द केस? वेरी गुड. व्हाट डज दैट मीन? वेरी गुड, लिख लीजिए दोनों, अनइंटरेस्टेड एंड डिसइंटरेस्टेड. अनइंटरेस्टेड मीन्स हैविंग नो इंटरेस्ट एट ऑल. डिसइंटरेस्टेड मीन्स इम्पार्शियल. समझ गए? तो सुप्रीम कोर्ट का जज, उनके सामने जो केस आएंगे, अनइंटरेस्टेड होगा तो मतलब पढ़ेगा ही नहीं केस को, तो वो तो गलत बात है. डिसइंटरेस्टेड मतलब कौन जीते कौन हारे उससे उस जज को कोई मतलब नहीं, कानून की जीत होनी चाहिए, इसको कहते हैं डिसइंटरेस्टेड. तो फुटबॉल के मैच में जो रेफरी होता है वो क्या होना चाहिए, अनइंटरेस्टेड कि डिसइंटरेस्टेड? डिसइंटरेस्टेड. कौन था पोर्चुगल का बहुत ही नेगेटिव प्लेयर जिसको लाल कार्ड देके दुलत्ती मार के बाहर किया गया? पेपे. तो आप ये सारे जरा जो फुटबॉल और क्रिकेट में इंटरेस्टेड हैं, आप अगर अपने रेज्यूमे में कहीं भी ये सब मेंशन करने वाले हैं तो इन सब फैक्ट्स की लिस्टिंग करते चलना. एग्जाम में, इंटरव्यू में, यू वुड डेफिनेटली बी क्वेश्चन्ड ऑन दीज स्मॉल ट्रिविया ऑल्सो एट टाइम्स. स्वाव, वहीं आ गए, शुरू में हमने स्वाव की बात की थी. एनीवन हु इज स्वाव इज वेरी पॉलिश्ड, एक्सट्रीमली स्मूथ, एक्सट्रीमली सोफिस्टिकेटेड. स्वाव. अरबेन, अरबेन के लिए एक और वर्ड जी से हमने देखा था, कौन सा वर्ड था जी से अरबेन के लिए? जेंटील. व्हाट डज जेंटील मीन? पॉलिश, सोफिस्टिकेटेड, गुड इन द वेज ऑफ द वर्ल्ड. जेंटील से मिलता जुलता कंफ्यूजिंग दूसरा वर्ड क्या है? जेंटल. जेंटल का प्रोनंसिएशन समझ लीजिएगा, ऑल्दो दिस इज इंडिया यू कैन ऑलवेज से जेंटल, नो प्रॉब्लम, बट द करेक्ट प्रोनंसिएशन इज जेंटल. जेंटल, द लास्ट पार्ट शुड गेट एब्जॉर्ब्ड इन योर माउथ इटसेल्फ. जेंटल, इट्स नॉट जेंटल, ऑल्दो nobody will deduct your marks for saying gentle, but correct agar pata hai koshish karni chahiye. Antonym boorish and rustic. Rustic ka matlab hota hai gaon se related, rustic lifestyle, countryside wali lifestyle. Aur koi negative nahi hai wo, it's not negative to lead a countryside lifestyle, there is nothing wrong in it. Boorish is negative. Boorish ka matlab hai pig headed. Boorish means pig headed, pig dash headed. क्या मतलब होता है pig headed? One who is just not willing to listen, that is called pig headed. समझ गए? आप जब भी कोई कंपनी ज्वाइन करें, अगर आपके सीनियर्स आपको कुछ समझाएं, तो कम से कम इतना नाटक जरूर करना कि तुम समझने की कोशिश कर रहे हो, अदरवाइज यू विल बी ब्रांडेड pig headed. यार ही इज वेरी पिग हेडेड, मेरी टीम में इसको मत लेना, खत्म हो जाएगा करियर शुरू होने से पहले, बहुत ध्यान रखना इन बातों का. पैरानॉइड, कल सुबह सूरज निकलेगा कि नहीं, समझ गए ना? ऐसे आदमी को क्या कहेंगे? पैरानॉइड. क्यों? बिकॉज ही इज एक्सट्रीमली स्केर्ड अबाउट एवरीथिंग. पैरानॉइड, इरेशनल फियर दैट थिंग्स विल गो रॉन्ग, और irrational fear that everyone is after him, paranoid. During his election campaign, Narendra Modi repeatedly appealed to the various Muslim groups in India, trust me, do not be paranoid, give me a chance, I will soon make you fall in love with me, I am not your enemy. These were his words. ऐसे use होता है paranoid, समझ गए? Paranoid से noun निकलेगा paranoia. Delirious, delirious यानी पागल, पागलपन का दौरा, और उसका नाउन है delirium. Delirium का मतलब होता है when you lose your mind, delirium, in a state of delirium, or in a state of obsession. We get obsessed with something, that is called delirium. You are in a state of delirium, that is lost control basically, that's the idea. इसका antonym बड़ा अच्छा है, poised. Poised का क्या मतलब? सधा हुआ. और पॉइस्ट का नाउन क्या है? पॉइज, डी हटा दो, पॉइज इज अ नाउन. पॉइज का मतलब है वो बिल्कुल जो आपका कॉन्फिडेंस है ना, जो आपको एकदम सधा हुआ बना रहा है, उस कॉन्फिडेंस को कहते हैं पॉइज, और उसका एडजेक्टिव होता है पॉइज्ड. कैप्शियस, नोबडी वुड वांट टू हैव अ बॉस हु इज कैप्शियस. क्या मतलब है? किस तरह का बॉस? Always hypercritical. Hyper का उल्टा क्या है? Hypo. Hyper यानी
हाइपर यानी नॉर्मल के ऊपर, हाइपो यानी नॉर्मल के नीचे. तो नोबडी वांट्स अ हाइपर क्रिटिकल और अ कैप्शियस बॉस. सिनोनिम देख लो सारे, कुछ पूछना है तो पूछो. एंटोनिम नेचुरली विल बी रिस्पेक्टफुल, एप्रिशिएटिव, अपलिफ्टिंग, ऑप्टिमिस्टिक, ये सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे कैप्शियस के. कैप्शियस यानी फॉल्ट फाइंडिंग, निट पिकिंग. निट पिकिंग का मतलब होता है बाल की खाल निकालना, दैट इज निट पिकिंग. टिपिकली इन अ डॉटर इन लॉ एंड मदर इन लॉ रिलेशनशिप, दिस इज अ टिपिकल कंप्लेन ऑफ डॉटर इन, दैट माई मदर इन लॉ हैज अ निट पिकिंग एटीट्यूड. बहुत छोटी छोटी चीजों में गलतियां निकालती लगातार रहती हैं, उसको कहते हैं निट पिकिंग, बाल की खाल निकालना. कार्पिंग यानी शिकायत. कार्प का मतलब होता है शिकायत. और कार्प एक और चीज के लिए यूज होती है, एक बड़ी हार्ड फिश होती है, उसको कहते हैं कार्प. एक्वेरियम में पाई जाने वाली फिशेस में जो सबसे हार्ड फिश होती है, हार्ड का मतलब लंबे जीने वाली, जिसपे ज्यादा बहुत जल्दी मरती नहीं है जो, उसको कहते हैं हार्ड फिश, उसको कहते हैं कार्प. कार्प इज अ वैरायटी ऑफ अ हार्ड फिश, बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करती है और जल्दी मरती नहीं है. इसलिए आपको ये जो टिपिकल मॉल्स वगैरह में बड़े बड़े फिश पॉन्ड दिखेंगे तो उसमें टिपिकली आपको कार्प दिखाई देंगी. दे आर ऑल स्टैंडर्ड कार्प बिकॉज दे लिव वेरी लॉन्ग, 10 साल आराम से जी जाती है, और कई दिनों तक खाना नहीं मिले तो भी जिंदा रहती है. कम ऑक्सीजन में, गंदे पानी में किसी तरह गुजारा कर लेती है, उसको कहते हैं कार्प. शायद ये वर्ड वहीं से निकला हो. फर्टिव, फर्टिव का मतलब है छुपा हुआ, स्टेल्दी. हमने बात की थी कि जब लायंस हंटिंग करते हैं या टाइगर्स हंटिंग करते हैं तो उनके बॉडी मोशन को क्या कहते हैं, वो जमीन से चिपक के चलता है ना लायन या लायनेस, क्या कहते हैं उस बॉडी मोशन को, स्टेल्दी. अमेरिका के फाइटर का क्या नाम है, स्टेल्थ फाइटर. F-16 जेट जो है अमेरिका का, उसका दूसरा नाम क्या है, स्टेल्थ फाइटर. क्योंकि स्टेल्थ का क्या मतलब होता है, छुप के वार करने की क्षमता. और स्टेल्थ फाइटर जो अमेरिका का है उसका शेप भी बहुत अजीब गरीब है. द स्टेल्थ फाइटर हैज अ वेरी वेरी डिफरेंट शेप, इट इज नॉट लाइक अ नॉर्मल फाइटर. ये शेप है स्टेल्थ फाइटर का ऊपर से, वी आर लुकिंग एट इट फ्रॉम द टॉप, दिस इज हाउ अ स्टेल्थ फाइटर लुक्स लाइक, बिल्कुल चपटा. तो इट मूव्स जस्ट लाइक अ लायन, स्टेल्थ फाइटर. एकदम दो लेवल पे भी जा सकता है, स्टेल्थ, स्टेल्दी, ये ऐसे जुड़े हुए हैं सब. तो उस अमेरिकन फाइटर जेट का नाम स्टेल्थ इसलिए रखा गया बिकॉज इट इज लाइक अ लायनेस इन हंटिंग, स्टेल्दी. जमीन से एकदम चिपक के वो लायनेस चलती है तो शिकार को पता ही नहीं चलता है कि शिकारी पास आ गया है, दैट इज कॉल्ड स्टेल्दी. स्लाई का मतलब है छुपा के वार करना, सरप्टिशियस, धोखे से वार करना. क्लैंडेस्टाइन, छुपा हुआ षड्यंत्र, क्लैंडेस्टाइन. अंडरहैंड, रिश्वत देना, अंडरहैंड. एंटोनिम ओवर्ट एंड ब्लेटेंट. ओवर्ट से दो वर्ड इंपॉर्टेंट आएंगे, नोट कर लीजिए, ओवर्ट एंड कोवर्ट. ओवर्ट वर्सेस कोवर्ट, इसको याद रखने का सिंपल तरीका बताता हूं. ओवर्ट का मतलब है ओपन और कोवर्ट का मतलब है कवर्ड. ओ से क्या आता है भैया, ओपन. सी से क्या आता है, कवर्ड. ऐसे याद रखना इसको. बताइए दुनिया की ऐसी कौन सी जासूसी संस्था है जिसने सबसे ज्यादा कोवर्ट ऑपरेशंस और कोवर्ट मर्डर्स किए दुनिया भर में. नॉट मोसाद, मोसाद का भी बाप है एक, CIA. CIA ऑफ अमेरिका इज नोटोरियस फॉर हैविंग कैरिड आउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवर्ट ऑपरेशंस अराउंड द वर्ल्ड. बड़े बड़े लोगों की हत्याएं करवाना इनके ऑफिशियल कामों में शामिल है. और फिर मोसाद, इसराइल का मोसाद, उनका तो खैर मेन मोसाद का काम था कि ये सारे भागे हुए नाज़ीस को पकड़ पकड़ के मारना. उनके इनिशियल, उनका जो पूरा गुस्सा था वो वहां पे था, लेकिन फिर 50 साल बीतने के बाद वो भी उस मामले में ठंडे पड़ गए. CIA के कोवर्ट, तो उन ऑपरेशंस को कहते हैं कोवर्ट ऑप्स. तो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट आर दी कोवर्ट ऑप्स ऑफ CIA, तो क्या जवाब देंगे आप, क्या जवाब देंगे? अगर किसी ने आपसे पूछा वी हैव हर्ड दैट मेनी पीपल वर किल्ड इन द कोवर्ट ऑप्स ऑफ CIA, व्हाट विल यू रिप्लाई? द सीक्रेट ऑपरेशंस ऑफ CIA, एब्सोल्युटली राइट. हीनियस, अभी मैंने बताया ISIL ने इराक में जिस तरह फैमिलीज को हाईवे पे मार दिया, वैसे क्राइम्स को किस एडजेक्टिव से डिफाइन करेंगे, हीनियस. शॉकिंगली इविल, नॉट जस्ट इविल, शॉकिंगली इविल. ओडियस, ओडियस यानी नफरत के काबिल. एबोमिनेबल, इसका रूट है एबोमिनेशन, एबोमिनेशन यानी नफरत.
एबोमिनेशन का एडजेक्टिव होता है एबोमिनेबल, नफरत के काबिल। तो साथ में एबोमिनेशन जरूर लिख लीजिएगा, एबोमिनेशन यानी नफरत। एबोमिनेबल वर्ड से कुछ याद आ रहा है किसी को? द एबोमिनेबल ब्लैंक ऑफ द हिमालयाज, वेरी गुड। कैन वी हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम प्लीज, वेरी गुड। जब आप जनरल रीडिंग करते हैं तो ऐसी चीजें आपको पता रहती हैं, वेरी गुड। नेपाल के क्षेत्रों में, हिमालय के क्षेत्रों में सैकड़ों सालों से ऐसी रिपोर्ट्स आती रही कि बहुत बड़ा महामानव जैसी प्रजाति रहती है, बहुत 8-8 फीट के बड़े बड़े बाल, मजबूत हाथ पांव, उनको स्नोमैन कहा गया, बर्फ मानव। और ऐसा कहा गया कि अरे यार ये तो इतना खतरनाक है, नफरत के काबिल। तो अंग्रेजी भाषा में उसके लिए एक शब्द बन गया, द एबोमिनेबल स्नोमैन ऑफ द हिमालय। समझ गया? उसकी कहानी भी समझ में आ गई। अब वो नफरत के काबिल क्यों है? नेचर ने उसको बनाया है तो हम उसको नफरत के काबिल, वो हमें देख के ऐसे ही बोलता होगा, एबोमिनेबल ह्यूमन बींग्स ऑफ इंडियन पेनिनसुला, वो भी आपस में ऐसे ही बोलता होगा। सो दैट, पार्डन, साइज की वजह से तो निश्चित तौर पर लोगों को डर लगा होगा कि भाई हमला कर देगा, मार देगा। और अनेकों कहानियां हैं, सच्चाई किसी को नहीं पता है, सच्चाई किसी को नहीं पता, और आज तक कोई भी ऐसा स्नोमैन पकड़ा भी नहीं गया है। एंटोनिम प्रेजवर्थी, क्रेडिटेबल ऑब्वियसली, पॉम्पस ये वर्ड पहले इंट्रोड्यूस हुआ है थैंक्स टू हिम। मैंने बताया था इसके मीनिंग क्या बताए थे, व्हाट काइंड ऑफ अ मैरिज इज अ पॉम्पस मैरिज, ऑर्नेट। ऑर्नेट का क्या मतलब? बहुत ज्यादा ऑर्नामेंटल। ऑर्नामेंटल का क्या मतलब? गहनों से लदी हुई शादी, लिटरली मतलब चमकती हुई, दैट इज कॉल्ड ऑर्नेट। ऑल्दो कलरफुल इज अ पॉजिटिव वर्ड, कलरफुल इज अ पॉजिटिव वर्ड इस सेंस में हमने, लेकिन इसको यूज किया था, हाई फ्लोन यानी बहुत ऊंची। प्रिटेंशियस, नेगेटिव वर्ड आउट एंड आउट। प्रिटेंशियस का रूट है प्रिटेंस, दिखावा, सीई प्रिटेंस। प्रिटेंस नाउन से क्या एडजेक्टिव निकला भैया? और ऑस्टेंटेशियस का नाउन क्या है? ऑस्टेंटेशन यानी दिखावा, उसका एडजेक्टिव क्या बना? ऑस्टेंटेशियस। ये सारे हैं पॉम्पस। इसका एंटोनिम, बेस्ट एंटोनिम थोड़ी देर पहले हमने देखा था, लॉर्ड शिवा की लाइफस्टाइल क्या है? एसेटिक। पॉम्पस का ठीक उल्टा होगा एसेटिक। वो सारे नाउन्स लगा दो वहां पे, सारे एडजेक्टिव्स लगा दो वहां पे, एसेटिक। सेल्फ इफेसिंग, सेल्फ इफेसिंग का मतलब होता है हमेशा ये बोलने वाला, अरे नहीं नहीं ठीक है मैंने तो कोशिश की, हो गया, नहीं 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 नो नो मेरा कोई क्रेडिट नहीं, नथिंग, दिस इज सेल्फ इफेसिंग। मॉडेस्ट, इनिमिकल, इनिमिकल एटीट्यूड, इसका उल्टा है फ्रेंडली एटीट्यूड, ऐसे समझो इसको। तो फ्रेंडली एटीट्यूड का उल्टा होता है इनिमिकल एटीट्यूड। इनिमिकल यानी एक दुश्मन की तरह व्यवहार करना। तो भारत का हमेशा से आरोप ये रहा है पाकिस्तान पे कि हम दोस्ती का कितना भी हाथ बढ़ा लें, आपकी आर्मी का इनिमिकल एटीट्यूड कभी भी दोस्ती होने ही नहीं देता है। होस्टाइल, रिपग्नेंट, रिपग्नेंट का मतलब होता है रिपल्सिव, जो आपको जैसे नॉर्थ और साउथ पोल, रिपग्नेंट रिपल्सिव, एक दूसरे को दूर फेंकते हैं, रिपल्सिव। एंटागोनिस्टिक, एक दूसरे के दुश्मन, एंटागोनिज्म, एंटागोनिस्टिक। इससे मिलता जुलता एक वर्ड है प्रोटैगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट यानी दो दुश्मन आपस में, एंटागोनिज्म है, उल्टा होगा प्रोटैगोनिस्ट। प्रोटैगोनिस्ट मतलब किसी भी फिल्म या ड्रामे का मेन हीरो, उसको कहते हैं प्रोटैगोनिस्ट, उसी के साथ में लिख लीजिएगा। किसी भी फिल्म या ड्रामे का जो मेन हीरो होता है, पॉजिटिव कैरेक्टर, उसको कहते हैं प्रोटैगोनिस्ट। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया चाइना में कभी मित्रता वाकई अच्छी हो गई तो जो कोई भी उसको करवाएगा उसको कहा जाएगा ही वॉज द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ इंडिया चाइना रिलेशनशिप बेटरमेंट, सो टू से। एंटोनिम एमिकेबल, हार्मोनियस, ये वर्ड हमने एमिएबल एफेबल सब देखे हुए पहले। एवरिशियस, भयंकर लालची, क्योंकि इसका नाउन है एवरिस, एवरिस, एवरिस यानी लालच। एवरिशियस लालची, वेरी वेरी नाइस वर्ड एवरिशियस। रेवेनस, रेवेनस इज नॉर्मली यूज फॉर अ व्हेल। कैसे यूज करते हैं किसी व्हेल के लिए? व्हेल खाना कैसे खाती है? ब्लू व्हेल टेबल पे बैठती है, कांटा छुरी उठाती है, टॉयल लगाती है, ऐसे खाती है ना, फिर कैसे खाती है? एग्जैक्टली, व्हेल जो है, बहुत सही है, डायरेक्ट भरती है सर, वो तो क्या डायरेक्ट भरती है सर, वो तो क्या भरती है, कहाँ भरती है, ऐसे थोड़ी होता है यार। व्हेल क्या करती है भैया? उसका होता है ऐसा मुंह, ओह
जो इस पूरे रूम को निगल जाए एक बार में, ब्लू व्हेल का मुंह। अब ब्लू व्हेल क्या करती है कि दिस इज द सरफेस ऑफ द ओशन एंड हियर शी इज, सो शी विल जस्ट ओपन द माउथ एंड शी विल गो अप, माउथ इज ह्यूज, सारा पानी अंदर ले लेगी। ओशन की सरफेस पे, ये तो डायनासोर का मुंह दिखने लग गया, मान लो कि ये ब्लू व्हेल का ही मुंह है, अभी के लिए मान लो, कोई नुकसान नहीं होगा तुम्हारा। यहां पे प्लैंकटन्स होते हैं पूरे ओशन की सरफेस पे दुनिया भर में, जो फोटोसिंथेसिस की मदद से खाना बनाते हैं, फोटो फाइटोप्लैंकटन्स और जू प्लैंकटन्स दोनों। इसको कुछ नहीं करना, ये पूरा टनों पानी एक साथ अंदर लेती है, अंदर पूरे उसमें फिल्टर्स लगे रहते हैं, ये सारे प्लैंकटन उसमें अटक जाते हैं, पानी सारा बाहर चला जाता है। दिस इज कॉल्ड रेवनस ओपनिंग ऑफ द माउथ, समझ में आया रेवनस का मतलब? ब्लू व्हेल जब इस तरह मुंह खोल के टनों पानी एक साथ अंदर लेती है, दिस इज कॉल्ड रेवनस गल्पिंग, इसको रेवनस कहते हैं। वोरेशियस इज यूज फॉर रीडिंग, कोई आदमी बहुत ज्यादा रीडिंग का शौकीन है, वोरेशियस कहते हैं, वोरेशियस रीडर, वोरेशियस वर्ड हमेशा रीडिंग के साथ ही यूज होता है, वोरेशियस रीडिंग, वोरेशियस रीडर्स। कवेटस लालची, रेपेशियस ग्रीडी, रेपेशियस इज यूज नॉर्मली फॉर अपने क्लॉस से पकड़ने वाला, ईगल, रेपेशियस ईगल, वोरेशियस रीडर, कवेटस लालच रखने वाला। एंटोनिम लिबरल, अनरेपेशियस एंड मैग्नानिमस। इनडिफेटिजेबल, इनडिफेटिजेबल उस स्टूडेंट के लिए यूज होगा जो अभी तक नहीं थका आज की क्लास में। कितने हैं ऐसे? अरे झूठो, शक्लों पे कुछ और ही लिखा है, हाथ उठा रहे हो। इनडिफेटिजेबल इज समवन हु डजंट गेट टायर्ड इजीली, दैट मींस अनफ्लैगिंग, अनफ्लिंचिंग, तो बस चलते रहने वाला, इनडिफेटिजेबल। इसके कुछ दूसरे बहुत अच्छे सिनोनिम्स हैं, आपको बता देता हूं, नोट कर लीजिए। डॉगेड, परसिस्टेंट, पर्टिनेशियस, परसिवियरेंट। डॉगेड, डिटरमिनेंट, परसिस्टेंट, पर्टिनेशियस, परसिस्टेंट एक्सेट्रा, दैट इज इनडिफेटिजेबल। एनी अदर सजेशन? पार्डन, सॉरी आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट इट, मे बी। एंटोनिम इंडोलेंट, आलसी, स्लगिश, ढीला, एनर्वेटेड, थका हुआ, एनर्वेटेड मीन्स वन हु हैज लॉस्ट द एनर्जी। तो ये काफी पावरफुल वर्ड है, काफी पावरफुल वर्ड है, डॉगेड, डिटरमिनेंट, परसिस्टेंट, पर्टिनेशियस, मतलब इनडिफेटिजेबल, चलते जाए, चलते जाए, चलते जाए, दैट्स द आइडिया बेसिकली। इंडोलेंट, स्लगिश, एनर्वेटेड। आगे चलिए, एपिक्योर, शुरू में हमने बात कर लिया था, वन हु हैज अ वेरी फाइन टेस्ट इन प्लेजर एंड। हेडोनिस्ट इज अ वेरी पावरफुल वर्ड, हेडोनिस्ट, हेडोनिज्म। भारत में अलग अलग स्टेट्स में हेडोनिज्म का इंडेक्स अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल, लेडीज के केस में बात करें तो अलग अलग स्टेट्स में स्टडीज से कंज्यूमर गुड्स कंपनीज को पता चलता है कि अलग अलग स्टेट्स की लेडीज जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज करती हैं उसका रेट अलग अलग है, और भारत की इस सेंस में सबसे हेडोनिस्टिक लेडीज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में पाई जाती हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में इसलिए कॉस्मेटिक गुड्स का लॉन्च सबसे पहले किया जाता है, क्योंकि वहां की लेडीज से टेस्ट मार्केटिंग फीडबैक सबसे पहले मिलती है, उसको कहते हैं हेडोनिज्म। हेडोनिज्म इन इंडल्जिंग योरसेल्फ। गुरमन पहले बात की, मेसोचिस्ट बात की है, खुद को तकलीफ देने वाला, सेल्फ एब्नेगेटिंग, डेप्रिकेटिंग। एस्ट्यूट, व्हाट एन एस्ट्यूट रिप्लाई दैट वॉज, इसका मतलब व्हाट एन इंटेलिजेंट रिप्लाई दैट वॉज, वाइज, शार्प, विथ एन एज, श्रूड, डिसर्निंग, डिसर्निंग का मतलब होता है बहुत बारीक कलर्स के बीच में भी फर्क करने वाला, डिसर्नमेंट। केजी, कैनी, परस्पिकेशियस, सेगेशियस, सारे एस्ट्यूट है। सेगेशियस का मतलब सेज के जैसा, सेज यानी साधु, साधु यानी इंटेलिजेंट, लाइक अ सेज, सेगेशियस। एंटोनिम, एनीबडी हु इज नॉट एस्ट्यूट इज समबडी हु इज वेरी सिंपल, somebody who is very naive, somebody who is very trusting, somebody who is very gullible, somebody who can be made a fool of easily,
उसके लिए वर्ड्स हैं गलीबस, क्रेजुलस. क्रेजुलस है ना, बहुत आसानी से किसी को भी मान लेने वाला. निटविट, निटविट इज अ वेरी लाइट हार्टेड वर्ड फॉर एनी सिली और इडियोटिक पर्सन. निटविट, सिली, इडियोटिक, ऐसे यूज करते हैं. आगे आ जाइए, ब्लिद. ब्लिद इज एन एडजेक्टिव. ब्लिथसम एंड ब्लिसमनेस. ब्लिसम एंड ब्लिसमनेस. ब्लिसमनेस का मतलब है हंसी खुशी से भरा. मॉडर्न डे एजुकेशन शुड ट्राई टू मेक स्कूल्स फुल ऑफ ब्लिसमनेस. ब्लिसमनेस है ना, स्कूलों में बच्चों को हंसी खुशी का माहौल मिलना चाहिए ही चाहिए, ऐसा मॉडर्न एजुकेशन कहती है. ब्लिसमनेस, ये मतलब है ब्लिसमनेस का. तो ब्लिस से आप देख लीजिए सारे मीनिंग को, जिसमें पूछना हो तो पूछिए. एक्सटेटिक, एक्सट्रीम हाई, एक्सल्टेंट, एकदम से खुश होना. जुबिलेंट, बहुत खुश आफ्टर अ सक्सेस. फॉर एग्जाम्पल, तो गीता में जो मैसेज कृष्ण ने अर्जुन को दिया था वो यही था कि तुम न तो सफलता में बहुत खुश हो, न तुम विफलता में बहुत दुखी हो, तुम बीच के रास्ते पे चलो. और उस रास्ते का नाम क्या दिया था उन्होंने? स्थित प्रज्ञ. तुम स्थित प्रज्ञ रहो. स्थित प्रज्ञ मतलब इक्वानिमिटी ऑफ माइंड, नाइदर टू हैप्पी नॉट टू सैड. एंटोनिम मोरोज. मोरोज मतलब भयंकर दुखी, उसका नाउन है मोरॉन. मोरॉन से एडजेक्टिव आया मोरोज. डिजेक्टेड, डिस्पोंडेंट, ग्लम, सल्की, सलन, दैट्स ब्लिद का उल्टा. सलन तक कोई भी वर्ड हो पूछ लीजिएगा. यस प्लीज. यस, स्टाइजियन इज डार्क. बायगट, फेनेटिक, फंडामेंटलिस्ट, समबडी हु इज STYGIAN. बायगट से आपका नाउन आया बायगट्री. बायगट्री का मतलब होता है फंडामेंटलिज्म. बायगट्री यानी रूढ़िवाद. डॉगमेटिक, डॉगमेटिक का नाउन है डॉगमा. डॉगमा यानी मैंने एक विश्वास बना लिया, अब मैं उस विश्वास से हिलने को तैयार नहीं हूं, दैट इज डॉगमा. जैसे पहले लोग मानते थे कि पृथ्वी चपटी है, सूर्य पृथ्वी के आसपास घूमता, ये सब क्या थे पहले के? डॉगमास. लेकिन धीरे धीरे पता चला कि ऐसा नहीं है. एंटोनिम फ्लेक्सिबल एंड अकोमोडेटिंग. अकोमोडेटिंग पे आज हमने तीन वर्ड शुरू में ही देख लिए थे, ING की वजह से वो जेरेंड हुआ है. अनदर 15 मिनट्स वी विल नीड टू फिनिश ऑफ. कैन आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड? एब्यूलियंट. एब्यूलियंट इज जस्ट लाइक ब्लिद, फुल ऑफ हैप्पीनेस. इट शुड बी EBULLIENT. एब्यूलियंट, जॉयस, एफरवसेंट. एफरवसेंट का मतलब होता है बबली. आप पानी में जब सोडा डालें या इनो जैसी कोई चीज मिलाते हैं तो सडनली आपको उसमें एफरवसेंस दिखता है. एफरवसेंस का मतलब होता है बबली, बबली, अपवेलिंग, दैट इज कॉल्ड एफरवसेंस. एंटोनिम प्लेसिड एंड सीरीन. सीरीन का मतलब होता है बिल्कुल शांत. आर्टिकुलेट, what kind of people are articulate? It is a talking type, huh? Articulate is a talking type. How do they speak? An articulate speaker will be well understood. Why? Because he is speaking very logically, cogently, connectedly. That is called articulate. तो इसका मतलब है उसके सारे thoughts connected थे आपस में, वो जोड़ जोड़ के बोल रहा था. Intelligible का मतलब होता है जो समझ में आ सके. Antonym faltering. Faltering का मतलब होता है अटक अटक के, फॉल्टरिंग, गिर गिर के, स्टम्बलिंग. स्टटरिंग का तो स्पीच के साथ ही डिफेक्ट है. स्टटर, स्टैमर, स्लर, दीज आर ऑल स्पीच डिफेक्ट्स विच कैन बी रिमूव्ड विथ सम प्रैक्टिस. इलोक्वेंट का मतलब होता है वन हु इज वेरी क्लियर एंड इंप्रेसिव इन स्पीच. इलोक्वेंस, इलोक्वेंट, सो दैट इज वेरी सिमिलर टू आर्टिकुलेट. बट आर्टिकुलेट हैज अ वेरी पर्टिकुलर मीनिंग, कनेक्टेड. Thoughts are connected. Complacent, ये बहुत ही important word है, इसको बिल्कुल आप याद रखिएगा. Complacent adjective है, इसका noun है complacence. Complacent का मतलब है थोड़ी बहुत सफलता मिली और पूरी तरह से उससे खुश होके चुप बैठ गए. भारत के राजाओं की विफलता का कारण अंग्रेजों के सामने यही था, they were very complacent. So a lot of Indian kings thought कि ये ब्रिटिशर्स हमारा बिगाड़ क्या लेंगे. So they became very complacent. और इसलिए रॉबर्ट क्लाइव से शुरू होकर जो कवाड़ा ब्रिटिशर्स ने करना शुरू किया,
तो वो अपनी कॉम्प्लेसेंस में ही सारे के सारे मारेगा। स्टेटस को, स्टेटस को का मतलब है जैसा आज है, स्टेटस कोइस्ट, जो व्यक्ति आज जैसी स्थिति है उसमें खुश है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं भैया? अभी क्या वर्ड यूज किया था? तो स्टेटस को में जो यकीन रखता है ऐसे आदमी को क्या कहते हैं? स्टेटस कोइस्ट। पाकिस्तान की आर्मी स्टेटस कोइस्ट आर्मी है, शांति चाहती ही नहीं है, वो चाहती है अशांति ही बनी रहे। इट्स अ स्टेटस कोइस्ट आर्मी, दिस इज हाउ वी कैन यूज इट। ठीक है, स्मग, सेशिएटेड, स्मग का मतलब है पूरी तरह से संतुष्ट, इट्स अ नेगेटिव वर्ड, स्मग। सेशिएटेड, फुल, इतना खाना खा लिया कि अब और खाने की जगह नहीं बची, सेशिएटेड। एंटोनिम रेयरिंग, रेयरिंग का मतलब है ही इज रेयरिंग टू गो, यानी वो उस एडवेंचर पे जाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा, रेयरिंग टू गो, दैट्स हाउ वी यूज इट। प्रिकॉशियस पे पहले बात हुई है, एंटोनिम बड़े अच्छे हैं, नमस्कल एंड डोल्टिश, थोड़े लाइट हार्टेड वर्ड्स हैं। नमस्कल यानी थोड़ा सा बुद्धू, डोल्टिश लाइक अ डोल्ट, जो कि थोड़ी सी मेडिकल कंडीशन है, जस्ट लाइक क्रेटिन। इनसुशिएंट, शुरू में हमने बात की थी, समबडी हु इज इंडिफरेंट और डिसइंटरेस्टेड, तो इसका मतलब बहुत पैशन शो नहीं कर रहा है, बहुत चुप है। एक जज या रेफरी के कंटेक्स्ट में ये बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन अगर आप एक जज या रेफरी नहीं हैं तो इनसुशिएंट होना बहुत बुरी बात है। नॉनशेलेंट, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, नॉनशेलेंट। नॉनशेलेंट मीन्स बिल्कुल इमोशन शो नहीं करने वाला, उसका नाउन है नॉनशेलेंस। अपथेटिक, हमने पहले एक रूट देखा था पैथस, याद है कुछ पैथस? कौन कौन से वर्ड देखे थे पैथस से, सारे याद दिलाओ। सबसे पहले सिंपैथेटिक, उसके बाद एपैथेटिक, उसके बाद एम्पैथेटिक, उसके बाद एंटीपैथेटिक, याद आ रहे हैं सारे? सिंपैथेटिक मतलब क्या? सिम टुगेदर, पैथोस इमोशन, किसी के साथ फील करना, सिंपैथेटिक। ए पैथेटिक, नो फीलिंग, एपैथेटिक। एंटीपैथेटिक, व्हाट इज एंटीपैथेटिक बोलो, सो गए क्या? टू फील ऑपोजिट ऑफ समबडी, और एक ही बच गया, कौन सा? एम्पैथेटिक। एम्पैथेटिक का मतलब है टू फील एम्पैथी। एम्पैथेटिक मींस फुल ऑफ अ सिचुएशन, फुल ऑफ इमोशंस। पैथेटिक, शहर में सब तरफ कचरा भरा पड़ा है, पैथेटिक सिचुएशन, वो सिचुएशन देख के ऐसा लगा मेरे इमोशंस जाग गए, पैथेटिक सिचुएशन है, एक ऐसी सिचुएशन जो इमोशन जगाती है, पैथेटिक। आगे चलिए, इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल इज समबडी हु इज बियॉन्ड एनी करेक्शन, कितनी भी मेहनत की जाए सुधारा नहीं जा सकता, दैट्स इनकॉरिजिबल। इररिपेरेबल, रेप्रोबेट, समबडी हु हैज डिसाइडेड और सिचुएशन विच हैज डिसाइडेड आई विल नॉट इम्प्रूव, फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल वार्मिंग सीम्स टू बी एन इनकॉरिजिबल सिचुएशन नाउ टू मैनी। कौन सी एजेंसी एनुअल रिपोर्ट निकालती भैया ग्लोबल वार्मिंग की? एक इंडियन उसके बॉस हैं, बताएं विच एजेंसी पब्लिशेस रेगुलर रिपोर्ट्स ऑन ग्लोबल वार्मिंग? इट इज अ यूनाइटेड नेशन एजेंसी। इंडियन आर्मी तो ग्लोबल वार्मिंग को बिगाड़ने के लिए जो कर सकती करेगी, बम फोड़ेगी तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, जस्ट किडिंग। कौन सी एजेंसी भाई? एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पर्सन? आपने IPCC का नाम नहीं सुना? आपको पढ़ाया गया इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, और कौन है उसके इंडियन बॉस? लंबी सी दाढ़ी वाले डॉक्टर राजेंद्र पचौरी, आपने नाम नहीं सुना है? बताया गया आपको नाम पहले, IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन की बॉडी है ये, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, IPCC। क्या नाम बताया बॉस का? याद रखना, GK में पिछले साल 3 अलग अलग एग्जाम में पूछा गया था बेटा ये, IPCC एंड डॉक्टर राजेंद्र पचौरी, और ये यूनाइटेड नेशन FCCC के तहत बनाया गया, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC के तहत IPCC बनाया गया था। उतना आप याद रख लेना, IPCC का फुल फॉर्म और डॉक्टर पचौरी, काम हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग की रिपोर्टें निकालते हैं हर साल, दैट्स द आइडिया। एरुडेट, इस पर बात हो गई है, आखिरी स्लाइड और उसके बाद, यस, ट्रांसग्रेशन का मतलब होता है लाइन को क्रॉस करना, ट्रांसग्रेस, लाइन को क्रॉस कर देना, डू नॉट ट्रांसग्रेस इनटू माय बॉर्डर, द
BSF warned the Bangladeshi immigrants, illegal immigrants. ठीक है, बांग्लादेश के BSF का क्या नाम है? भारत में एक BSF है ना, क्या फुल फॉर्म है भारत के BSF का? वैसे ही बांग्लादेश का भी एक BSF है, उसका क्या नाम है? उसमें पूरी फुल स्केल क्रांति हुई थी 2010 में, फिर बांग्लादेश की आर्मी को आना पड़ा था दबाने के लिए, और भारत के BSF और उनके BSF के बीच लगातार झगड़ा चलता रहता, खूब अकड़ दिखाते हैं वहाँ के BSF वाले. नो, दैट वॉज इन 1971 द लिबरेशन आर्मी, मुक्ति वाहिनी. उनके BSF का क्या नाम है बांग्लादेश के? और 2010 में वहाँ क्रांति हो गई थी, वहाँ के सोल्जर्स ने अपने सारे, एक बहुत बड़े कैंटोनमेंट में अपने सारे बॉसेस को पकड़ लिया, सबको सिर में गोली मार दी, और 600 सोल्जर्स ने विद्रोह कर दिया और बोला अब तो देश को ही ख़त्म कर देंगे. फिर पूरी आर्मी ने आके घेरा और सबको फांसी की सजा हुई. तो आप पता कीजिएगा बांग्लादेश का BSF कौन है, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले, तब क्या करेंगे. आखिरी स्लाइड, उसके बाद होमवर्क स्लाइड है. गुरमे, वेरी पॉजिटिव वर्ड, अ कॉनोजियर ऑफ फूड, गुरमे. और गुरमे फूड का मतलब होता है द बेस्ट पॉसिबल फाइन डाइनिंग वाला फूड, गैस्ट्रोनॉम. और वो फ्रेंच वर्ड दिया, उसका प्रोनंसिएशन बड़ा प्यारा है, बोन विवा. बोन विवा, समबडी इन लव विथ लाइफ, बोन विवा. बोन विवा, समबडी इन लव विथ लाइफ. और एक और कौन सा हमने फ्रेंच वर्ड देखा था भैया थोड़ी देर पहले? दिलेता. इससे कौन सा एक और एडजेक्टिव देखा था? दिलेता तेश. अब आ गया बोन विवा, इन लव विथ लाइफ. एंटोनिम ग्लटन, ग्लटन यानी वन हु ईट्स लाइक अ पिग, दैट्स नॉट गुरमे. गुरमे वन हु ईट्स फाइन डाइनिंग, ग्लटन वन हु ईट्स 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 ईट लाइक अ पिग एंड ओमनिवोर. व्हाई डू पिग्स ईट सो मच? He eats like a pig. So the question is, why do pigs eat so much? Yes? Nope. Nope. Nature में हमेशा याद रखना बेटा, हर चीज का कारण होता है. Nature कुछ भी चीज फालतू नहीं करता है. प्रकृति जो है हर चीज के पीछे लॉजिक देती है. लॉजिक दीजिए, why do pigs eat so much? Pigs and other animals who eat a lot, one of the biggest reasons is they are not sure of the future, where the next food will come from. So whenever there is opportunity, they will eat as much as they can, because their bodies can store it. So in times which are difficult, they can go without food for many days. So pigs ya dusre aise omnivores jo hote hain, what are omnivores? Both herbivores and carnivores, kuch bhi kha sakte hain, omnivores. What are detritivores? Very good. Can we have a round of applause for him, please? Very good answer. Herbivores, carnivores, omnivores, detritivores. Charo likh lo ek ke niche. Herbivore, shakahari. Carnivore, masahari. Omnivore, sarvahari. Detritivore, जो सारा डेट्राइटस निकलता है सिस्टम का, यानी डीकम्पोज करने वाला. डेट्राइटिवोर सिस्टम का डीकम्पोज एलिमेंट, डेट्राइटिवोर. क्योंकि वो नहीं होंगे तो सब तरफ बीमारियां फैल जाएंगी. डेट्राइटिवोर्स कीप डिकेइंग ऑल द डेड वेजिटेशन एंड लाइफ, और उसको वो बिल्कुल एलिमेंटल रूप में ले जाते हैं, जिससे पुनः चक्रीकरण शुरू हो जाता है, रिसाइकलिंग. हमारे नेचर में सब कुछ सेल्फ कंटेंड है. अफ्रीका के सवाना प्लेन्स में वल्चर्स हैं, वल्चर मरा हुआ शरीर कहीं देखते हैं, सीधे नीचे आ जाते हैं, पूरा शरीर साफ कर देते हैं, सिर्फ हड्डियां छूटती हैं, बीमारी फैलने से बच गई. नहीं तो मांस सड़ेगा. अगर वो बीमार जानवर था, वो 500 जानवरों में बीमारियां फैला देगा. नेचर ने ऐसा प्रोविजन कर रखा है. अब हमने हमारी इंडस्ट्रीज में वल्चर्स को ही मारना शुरू कर दिया. इंडस्ट्रीज से निकलने वाले केमिकल वल्चर को मार देते हैं, और दुनिया में वल्चर्स की पॉपुलेशन ड्रास्टिकली कम हो रही है. तो रीसाइक्लिंग स्लो हो गई नेचर की. इसको डोमिनो इफेक्ट कहते हैं, कि एक जाएगा तो सब जाएंगे. एक डोमिनो के पीछे पीछे दूसरे डोमिनोज लगे हुए हैं सारे, इसको डोमिनो इफेक्ट कहते हैं. और आदमी का जो ओमनिवोरस नेचर है, लालची, ये भी ये भी ये भी ये भी, ये जो मानवता कर रही है ना, इसके चलते जिस दिन नेचर बदला लेने पर आ गई, साफ कर देगी हमको. अब वो दिन कब आएगा पता नहीं, आई होप अगले 60 साल नहीं आए. दैट वॉज सो सेल्फिश. वैपिड,
वेरी डल ड्रियरी हमड्रम. वैपिड का मतलब होता है लाइफलेस. वैपिड इज समथिंग दैट इज टोटली कलरलेस. बड़ा अच्छे सिनोनिम्स हैं डल ड्रियरी हमड्रम. हमड्रम का मतलब होता है एक बड़ा अच्छा गाना हमड्रम के लिए है उसके कुछ ये हम ड्रम है हमदम नहीं है. नहीं तो बोलोगे अरे वाह हमदम पे गाना सुना रहे हैं सर. हमड्रम इस पर एक बड़ी खूबसूरत गज़ल जो गीत के रूप में फारूक शेख साहब के ऊपर फिल्माई गई थी एज अ टैक्सी ड्राइवर इन मुंबई उन पर बहुत अच्छी थी. कोई बता सकता है कौन सा गाना है? सुरेश वाडकर ने गाया हुआ क्लासिक अ बॉलीवुड क्लासिक जो लाइफ के हमड्रम पे है. हमड्रम का मतलब होता है सुबह उठना काम पे जाना शाम को आना खाना खाना सो जाना सुबह उठना काम पे जाना शाम को आना. ये सालों तक चल रहा है और इसमें कोई चेंज ही नहीं हो रहा है. इसको कहते हैं हमड्रम लाइफ. इस पे एक बहुत खूबसूरत गाना था फारूक शेख साहब टैक्सी ड्राइवर बॉम्बे के और उन पे वो गाना था एनीवन. बहुत प्यारा गाना. और वो गाना मुझे सबसे ज्यादा शॉकिंग कब लगता है वो गाना आज भी उतना ही लागू बल्कि ज्यादा लागू हो रहा है आज. आपने वो गाना नहीं सुना सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है? कितनों ने सुना है? सुना है कि नहीं? सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है. अगली लाइन क्या है? आप अपने सीवी में लिसनिंग टू हिंदी सॉन्ग्स एज अ हॉबी लिख सकते हैं. ये सब मैं आपको इसलिए बताते रहता हूं कि आपको आगे बहुत काम आएगा. अगर आपने उसमें हिंदी सॉन्ग्स एज अ हॉबी लिखा तो हो सकता है आपका इंटरव्यू इस पे हो. तो वो गीत के बोल कुछ ऐसे हैं. सुनोगे? बारात में आए हो? हाँ बारात में आए हो क्या? नहीं आए हो बस तो चलो ये लिखो. प्रोजेक एंड प्रोजी. प्रोजेक का मतलब होता है वेरी वेरी डल. प्रोजेक लाइफ अ लाइफ दैट हैज नो कलर दैट्स प्रोजेक. एंटोनिम पंजेंट. पंजेंट इसलिए क्योंकि पंजेंट स्मेल आपको एकदम से तड़पा देती है. H2S की जो टिपिकल स्मेल होती है पंजेंट स्मेल मतलब एनीथिंग दैट इज वेरी शॉकिंग. यस पिक्वेंट सीमली. पिक्वेंट इज समथिंग वेरी ट्रिकी. सीमली का मतलब होता है ब्यूटिफुल टू लुक एट और ब्यूटिफुल टू वर्क एट. मिसक्रियंट एंटी सोशल एलिमेंट. बस ये आखिरी स्लाइड है फटाफट आखिरी दो तीन वर्ड लिख लीजिए. विलेन एंड फेलोनियस. फेलोनियस का रूट है फेलन. फेलन का मतलब होता है अपराधी एक बहुत सीरियस अपराधी फेलन. और मान लो बैंक में डकैती की तो वैसे अपराध को कहा जाता है फेलनी. फेलनी अपराध बड़ा अपराध. और एक छोटे अपराध को कहते हैं पेकाडिलो. PECCADILLO लिख लीजिए. माइनर क्राइम इज अ पेकाडिलो. सीरियस क्राइम इज फेलनी. फेलनी करने वाला होता है फेलन और उसकी अप्रोच को कहा जाता है फेलोनियस. ये सारे वर्ड याद रहेंगे. फेलन कौन है? फेलनी क्या है? क्राइम. फेलोनियस क्या है? एटीट्यूड. ध्यान रखना ऐसे रिप्लाई देते आना चाहिए. फेलन द मैन. फेलनी द क्राइम. फेलोनियस द अप्रोच द एटीट्यूड. एंटोनिम बेनिफैक्टर ऑब्वियसली जो आपका फायदा करे. प्रोटैगनिस्ट द मेन हीरो. एब्यूलियंट बच्चे एब्यूलियंट होते हैं ये वर्ड हमने पहले देख लिया है. परफिडियस आज का हमारा आखिरी वर्ड है. इसके बाद टेस्ट वर्ड्स होमवर्क के लिए आपको दे दिए जाएंगे. होमवर्क वर्ड्स परफिडियस. परफिडी धोखा. परफिडियस धोखा देने वाला. बहुत सिंपल सा मीनिंग है और इसका रूट है. इसका द रूट ऑफ परफिडियस इज फिडे. FIDE. फिडे का मतलब होता है लॉयल्टी. उस पे से आता है इनफिडेल. इनफिडेलिटी जैसे अगर पत्नी को पता चला कि पति ने दूसरी या तीसरी शादी कर रखी है बिना बताए तो कोर्ट में केस डोमेस्टिक वायलेंस में और चीटिंग में और एडल्ट्री में इनफिडेलिटी का होता है. इनफिडेलिटी. इनफिडेलिटी में फिडे रूट है. परफिडी धोखा. दिस इज हाउ वी यूज इट. एंटोनिम स्टेडफास्ट यानी बिल्कुल सीधी लकीर पर चलने वाला या स्टॉन्च. अब हमारी आखिरी स्लाइड होमवर्क वर्ड्स की है. ये वर्ड्स नोट कर लीजिए. ये आपके होमवर्क और आपके रिसर्च के लिए हैं. फटाफट नोट कर लीजिए. सो दीज आर द वर्ड्स द लास्ट स्लाइड ऑफ होमवर्क वर्ड्स विच यू आर एक्सपेक्टेड टू गो होम डू योर रिसर्च एंड कम प्रिपेयर्ड विथ बिफोर द नेक्स्ट क्लास. ऑल द वर्ड्स दैट वी आर डिस्कसिंग इन द क्लास वी आर ट्राइंग टू गिव यू एज मेनी इनपुट्स एज पॉसिबल फॉर द वेरी सिंपल रीजन दैट वी एक्सपेक्ट यू to handle all types of questions. Verbal analogies, fill in the blanks, synonyms, antonyms,
रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इवन, कंजीनियल, नार्सिसिस्ट, थीस, इसमें से आधे तो आपको पता होंगे ही, एग्नोस्टिक, फिलैटेलिस्ट, कौन होता है भैया फिलैटेलिस्ट? वेरी गुड, कॉइन वाला न्यूमिज्मेटिस्ट होता है, मिसैंथ्रोप, एल्ट्रुइस, एसिजुअस, पेडागॉग, मार्टिनेट, इनट्रांसिजेंट, वैकुअस, अमेजन, विंसम, मेटिकुलस, प्लेंटिव, प्रिजम्चुअस, एक्रीमोनियस, सुपरसीलियस, एडोनिस, अमेजन, एडोनिस, रिलेटेड वर्ड्स, पावेनू, डेक्स्ट्रस, पेन्यूरियस, पेंडरर, कॉन्विवियल, फिलिस्टीन, क्या होता है भैया फिलिस्टीन? क्या बताया था आज? नॉट नैरो माइंडेड, इन अ सेंस नैरो माइंडेड, वन हु डजंट हैव एनी टेस्ट इन वॉट, वेरी गुड, दैट्स फिलिस्टीन, एंड विच वर्ड यू शुड नेवर कंफ्यूज इट विथ? पैलेस्टाइन. Profligate, workaholic, sinister, misogynist, complacent, pastoral, pertinacious, temerarious. With that, we come to the end of the session. Kindly note down these words. You are expected to find out synonyms and antonyms of these words and apply the Grass PT formula on these words. It will do you a world of good, a world of good.